वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सब। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आज वैसे भी मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि हमारा अगस्त के महीने में हमारी कंसंट्रेशन रहेगी कि पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों को, जो वैसे भी थ्रू आउट द ईयर हाईलाइट होती रहती हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे उनका एक मजमूआ आपके सामने पेश किया जाए। रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हम ऑलरेडी अटैच्ड हैं, लेकिन हमें उसको उस तरह हाईलाइट करने का मौका नहीं मिलता, उन तमाम चीज़ों को अपने शो में हम पोर्ट्रे करेंगे। आज हमारे पास कुछ बहुत ही अमेजिंग स्पोर्ट्स गर्ल्स या वेमेन आने वाली हैं, जिनके बारे में मैं आपको लेटर बताऊंगी। वो बाद में हमारे प्रोग्राम का एक दूसरा हिस्सा होगा। शुरुआत में आपको पता है कि हम किचन में जाते हैं, आपसे सवाल भी करते हैं, और उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहती हूँ ताकि आप प्रिपेयर्ड रहें। थोड़ी ही देर में हमारे पास डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी जो कि ऑन्कोथर्मिया के बारे में आपको बताएंगी। ऑन्कोथर्मिया एक ऐसे ट्रीटमेंट है जो हर तरह के कैंसर को, सिवाय ब्लड कैंसर के, हर तरह के कैंसर को ट्रीट करती है। ये एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है। इसके क्या फ़वाद हैं, इसमें क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, ये सब हम उनसे शेयर करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं उस वक्त जब डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी। सवाल पे आ जाते हैं। इस वक्त का जो हमारा सवाल आपसे है वो ये है, एक मेरे ख्याल में आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है पाकिस्तान के बारे में बात करना और पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनके बारे में बात करना। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और वो कैसे हल हो सकता है? मुझे कॉल करके बताइए 0213222702 एंड 0213222705 इज़ अ नंबर। इस पे आप कॉल कीजिए और बताइए पाकिस्तान का सबसे मेजर मसला क्या है और आपके ख्याल में वो कैसे हल हो सकता है। इन द मीन टाइम मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में। आइए, वेलकम बैक। और शेफ इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? परफेक्ट, टिप टॉप। अब बताएं कैसे हैं? अब मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा, जब मैंने पूछा कैसे हैं, जी बिल्कुल ठीक ठाक, वीआईपी। वीआईपी जो है ये भी एक नई टर्म है ना? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। एक हमारे दोस्त, वो भी इसी तरह हर बात में हाँ वीआईपी सर, उनसे जो भी पूछा जाए यही जवाब देते हैं, वीआईपी वीआईपी। अच्छा, आज वीआईपी कुछ रेसिपी भी लग रही है मुझे, क्या बन रहा है? ओह यस, वेरी ट्रू, बिल्कुल दुरुस्त कहा नुसरत जी। स्टेक सैंडविच, बहुत मजेदार, जो बीफ स्टेक सैंडविच। स्टेक सैंडविच यस, अमूमन जो 5-star होटल में आपको मिलते हैं बीफ के होते हैं, काफी मजेदार, वही है चिकन में बना रहे हैं। और लेकिन डिफरेंट, एक वो स्लाइस चिकन होती है लाइक जिस तरह हम लोग जापानीज बनाते हैं उस तरह, लेकिन ये तो डिफरेंट है। क्यूब्स हमारे पास है चिकन के, इससे बनाएंगे काफी मजे की बिल्कुल। और हमने क्यूब्स का इंतखाब इसलिए भी किया कि हमने सोचा घरों में यूजुअली क्यूब्स अवेलेबल होते हैं। चिकन क्यूब्स की सूरत में बोनलेस मौजूद होती है, मगर स्टेक की सूरत में आपको करवाना पड़ता है स्पेशली, तो आप ये बना सकते हैं। और कुछ बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं, कुछ के शुरू होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी ये रेसिपी दी जा सकती है शुरू के दिनों में। अब क्या रेसिपी है जरा शेयर कीजिए। बिल्कुल, चलते हैं रेसिपी की जानिब। बहुत ही मजेदार है, पर उससे पहले सिर्फ इतना कहूंगा नुसरत जी, आपने कहा कैंसर का, बल्कि ना सिर्फ कैंसर, चाहे जिंदगी में जो कुछ हो रहा हो, कहा जाता है कि दुनिया तुम्हें उस वक्त तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। हाँ, ये तो है। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है, समझो कुछ नहीं खोया। अरे वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। कुछ लोगों ने यहाँ तालियां भी बजाई, पता है? बहुत अच्छी अच्छी बात है। अच्छा, अब रेसिपी पे आ जाइए। अच्छा, पहले जो चीज थी, जाहिर ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम, ब्रेड को मैंने काट कर ओवन में रखा था। ठीक है, वैसे इसे आप चाहें तो ब्रेड है या बंस है? ये बंस है, जिस तरह लंबे बन होते हैं, इसी में स्टेक सैंडविच बनते हैं। ठीक है, इसको हल्का सा ब्राउन करना, आप चाहे फ्राइंग पैन में कर सकते हैं, लेकिन हम ओवन में कर रहे हैं। ओके, इससे किस तरह और आइडियाज के साथ आप लाइक का बन पिज्जा भी तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको बिल्कुल शेयर करेंगे। देख, कुछ ही देर में हल्का सा इसको मजीद ब्राउन कलर लाना है। ठीक है, और चिकन में जो जो शामिल करना है वो बहुत कम मसाला जाते हैं, बता दीजिए। जी जी नुसरत जी। अच्छा, अमूमन इसमें स्टेक सैंडविच में जो वर्सिस्टरशायर सॉस या मस्टर्ड ऑरिगेनो ऐड किया जाता है, लेकिन हम देसी स्पाइसेस के साथ किस तरह मजेदार बना सकते हैं। ओके, वही दही, फ्रेश योगर्ट, 2 tablespoon काफी है जनाब। राइट, दही के बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जिसमें काली मिर्च कुटी हुई। ओह, कुटी हुई, ठीक है। अगर इसमें आपने पाउडर शामिल कर लिया तो आपकी मेहनत पूरी जाया जाएगी। अच्छा, हाँ, इसमें जादू होता है। अब देखें, स्टेक बनते हैं या दुनिया भर में बहुत से फूड में
सिर्फ नमक, व्हाइट पेपर, काली मिर्च, ये चीजें शामिल की जाती हैं, लेकिन इसका अपना बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। साथ ही लाल मिर्च, पिसी मिर्चें कम या ज्यादा? मिर्चें बस जैसी आपको अच्छी लगे, जैसी इसमें होती हैं। ठीक है। साथ ही नमक हस्बे जायका, ठीक है, हाफ टी स्पून, एंड हल्का सा चाइनीज सॉल्ट। ओके, ठीक है, ऐड किया करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। साथ ठीक है, इसको आप मिक्स कीजिए। वी हैव अ कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शेख मुजम्मिल अहमद कराची से बात कर रहा हूँ। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, सब खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैं देख रहा हूँ जी, और टीवी की वॉल्यूम मैंने कम कर दी है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में सब कुछ है जी, ठीक है, जो सिर्फ मसला जहाँ अटका हुआ है वो ये है कि मुखलिस ईमानदार सियासतदानों की कमी है। अच्छा, जब ये तबका सही हो जाएगा तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, आपके ख्याल में सिर्फ सियासतदानों में मुखलिसी की कमी है या हम में भी थोड़ी थोड़ी मुखलिसी की कहीं ना कहीं कभी ना कभी कमी हो जाती है? हो ये रहा है कि जब पकड़ धकड़ होती है तो छोटे लोगों को पकड़ा जाता है, असल जिनकी वजह से हो रही है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। अच्छा ठीक है, तो जब तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जाएगा बात बनेगी नहीं। अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया, आपने कमेंट किया, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की। ये थोड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे मेरे ख्याल में उस थ्योरी पे गए कि ऊपर से मामलात सही होंगे तो उसका इफेक्ट नीचे तक आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम और आप बरी जिम्मा हो जाएं, बहुत सी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। और एक चीज़ मुझे लगती है कि हम तनकीद सिर्फ तनकीद की वजह से करने की कोशिश करते हैं, हर मामले में करते हैं, हर शोबे में करते हैं, तो तनकीद वहाँ की जाए जहाँ बेहतरी मुमकिन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद या सिर्फ आप जो बस क्या मैं इसमें बोलूँ, उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आता। ये हमारे यहाँ बहुत चीज़ अब हो चुकी है, और ये मुझसे शुरू में कह रहे थे आप तनकीद किया करें मुझ पर। हाँ जी, अब बताइए आगे क्या करेंगे हम। अच्छा, ऑयल शामिल किया लगभग 3 टेबल स्पून, और ये बहुत मजेदार, ये देखिए चटपट। आप ये इसको थोड़ी देर रखना नहीं है लगाकर? रखा जाए तो बेस्ट है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में रखा जाता है मैरिनेट करके, उसका अपना फ्लेवर है। देखिए क्या मजे की खुशबू है जनाब, बहुत अच्छी आ रही, नो डाउट। आपने अदरक लहसुन नहीं डाला इसमें? अदरक लहसुन कुछ देर के बाद इसमें बिल्कुल ऐड करना है। ओके, और हमारे साथ एक और कॉलर है, फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, एहसन बात कर रहा हूँ। एहसन साहब कराची जी, एहसन साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र, आप लोग ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आज का आपका सवाल देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा तो थोड़ा आज कर दूं। असल में पाकिस्तान, आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि एक चीज होती है तालीम, एक होता है इल्म। तालीम ये है कि जो आप मैट्रिक, इंटर, ए लेवल, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी पढ़ते हैं, बिजनेस, वो तो तालीम है। एक होता है इल्म जिसमें शऊर आ गई, सूझबूझ, बर्दाश्त, नेमतों की कदर करना, तहम्मुल से काम लेना, दूसरे का एहतराम करना, इंसानियत की कदर करना। तो मैं समझता हूँ बेशक हमारे यहाँ तालीम तो बहुत हो गई है, बहुत पढ़ रहे हैं और लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, लेकिन जो हकीकी इल्म और तरबियत है ना, कि बर्दाश्त कर देना, माफ़ कर देना, इंसानों की इज्जत करना, जो नेमतें हमें मिली हुई हैं इस मुल्क को, लोगों को, जैसा भी है उसकी कदर करना, और जो कुछ हालात है उसमें शुक्र अदा करना, ये इल्म, ये तरबियत और इस अकदार, इन वैल्यूज की कमी बहुत है। अच्छी बात है, इसलिए ये चीजें आ गई जी, तो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएंगी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो वेरी मच। और ये वो बेसिक्स हैं जो पहले हर जगह हर किसी को बगैर कहे, बगैर जताए समझाए जाते थे, लेकिन आज जता के भी समझाए जाते हैं तो लोगों के पास इसका भी जवाब है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं, या हम अपनी इकदार को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आइए और हमें बताइए कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि बेहतर हो सकती है, या जो मेजर मसला है और आप उसे अपने सोल्यूशन से ठीक कर सकते हैं। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे किचन में बहुत ही अमेजिंग चीज़ें बन रही हैं, चीज़ बन रही है, क्या बन रहा है? बिल्कुल, चिकन स्टेक सैंडविच, या स्टेक बर्गर के सकते सैंडविच, जो काफ़ी मज़े के। अच्छा, इसकी देखें बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी, काफ़ी मज़े की चिकन है, कुछ ही देर में काफ़ी हद तक गल भी चुकी, देखें उसे गल चुकी और खुशबू अच्छी है, बहुत आला बहुत आला। अच्छा, इसको तेज़ आंच पर उसकी करनी है बुनाई, अगर आपने चूल्हा स्लो रखा तो क्या होगा, ये चिकन अपना काफ़ी सॉस बन जाएगी, पानी छोड़ेगी, तेज़ आंच पर उसकी बुनाई का सिलसिला जारी रखना है। आपने काफ़ी ऑयल डाला था इसमें, ऑयल ज़्यादा डलेगा और फिर ये अपना पानी छोड़ेगी, और इस तरह से लगभग 3-4 टेबल स्पून काफ़ी है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना, सिर्फ इतना होगा कि इसमें
अच्छी तरह भुनाई हो जाए, खुशबू बहुत मजेदार, जूसी, यम्मी एंड टेम्पटिंग है यकीनन। अच्छा आपने नहीं बताया ना कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या लगता है आपको? पाकिस्तान का आई थिंक, मैं तो हम डिफरेंट सोचता हूँ, मुझे लगता है कि हर चीज कहता है इट्स नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज हाउ यू गिव द आंसर ऑफ प्रॉब्लम, एक्चुअली दैट्स व्हाट क्रिएट द प्रॉब्लम। ओहो अच्छा, जैसे आप प्रॉब्लम का जवाब देते हैं उस जवाब से प्रॉब्लम होता है। yes! आपको बताऊं, यस बिल्कुल बिल्कुल, ओके, क्योंकि एक मस्बत या प्रोमिद इंसान ये देखता है कि गिलास आधा भरा हुआ है, जबकि मनफी और मायूस शख्स ये देखता है गिलास आधा खाली है। ये आपके समाप्तीत पर आप क्या देखते हैं, आप किसी भी चीज को अपने सोच से आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। वैसे इस तरह की चीजों पे अगर लोग अमल करने लगे और इतने पॉजिटिव हो जाएं तो मेरे ख्याल में इस पॉजिटिविटी के बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही ना हो, लेकिन अल्लाह करे भाई। अब बड़ी अच्छी बातें लोग करते हैं, जैसे शेफ इकबाल भी करते हैं, ऐसे और लोग भी बातें ही करते, पॉजिटिव बात करते हैं। हाँ अमल भी करना चाहिए, तो खैर हम भी इस प्रोसेस का हिस्सा है, हम कोई इससे अलहदा होके बात नहीं कर रहे। अगर कोताहियां हैं, गलतियां हैं, तो वो हमारी तरफ से भी हैं और हम भी उसका हिस्सा हैं। सही बात। मगर आपके ख्याल में क्या है एजुकेशन? लोग कहते हैं कि एजुकेशन हमारा प्राइम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे अगर तवज्जा दी जाए, जिस पे काम किया जाए और लोगों को एजुकेटेड किया जाए, तो उससे हमारे बहुत से मसाइल, सोचने समझने के भी मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। लेकिन ये भी शायद सच है कि इस मुल्क को शायद पढ़े लिखे मतलब उन लोगों ने, कहते हैं ना सर सईद ने कहा था कि यूनिवर्सिटी के सजीलो गुल बनकर महक जाओ, लेकिन आई थिंक, और ये भी सच है, कहते हैं कि तालीम से किरदार बनता है, अगर तालीम से किरदार ना बने तो वो तालीम नहीं सिर्फ डिग्री है। I think exactly that's what is happening. बिल्कुल हाँ, ये भी है। तो खैर तालीम आपके लिए तालीम होनी चाहिए और उससे जितना फ़ायदा आपने उठाना है वो इंडिविजुअली सब पे डिपेंड करता है, और आपने हमारी रेसिपी से जो फ़ायदा उठाना है वो शेफ इकबाल आपको बता रहे हैं। आपकी फरमाइशें भी हम नेक्स्ट वीक में पूरी करेंगे और करते भी रहें। पुलाव हमने बना लिया था फरमाइश में, गुलाब जामुन भी बना ली थी, और क्या फरमाइश की गई थी आपसे, याद है आपको? वैसे सच कहूँ तो जितने भी इनकी भी फरमाइश थी, सुमेरा ने फरमाइश की थी, एफबी पे मुझसे निकाल के आज बनाया। अच्छा, यही कोशिश होती है कि वही सब कुछ बनाए जो आप देखना चाहते हैं, जो आपकी फरमाइश, आपकी फरमाइश हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और बाकी ये देखें, साथ ही कुछ वेजिटेबल की भी कटिंग कर लेते हैं। आइडियाज बहुत जरूरी होते हैं नुसरत जी कुकिंग में, ठीक है, जिससे आप डिफरेंट कर सकते हैं। इस तरह बनाया, इसके हम बर्गर्स बनाएंगे बहुत मजे के, ऑन टॉप पर ही आ जाएगा। एक और ट्रिक ये भी है कि आपने बहुत मजे की चिकन रखी जी, साथ ही कोई और पिज्जा सो सकते हैं, ऊपर टॉप पर चेडर मोज़रेला चीज रखी और आपने बेक किया ओवन में कुछ ही देर में, बहुत मजे का लाइक पिज्जा टाइप बन जाएगा। और एक नई चीज होगी, एक फ्रेंच ब्रेड जो होती है जिससे हजारों डिशे बाहर बनाई जाती है, उस तरह आप खेल सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं जरूर। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल बहुत अच्छा ख्याल है। और हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। अफजल गौरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ गई फाइनली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो अफजल गौरी साहब, आपको मेरी आवाज शायद नहीं आ रही है, दोबारा ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और वो कैसे हल हो सकता है। ये इस बात का जवाब हमें मोहसिना देंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बहुत प्यारा टॉपिक है आज का। अच्छा देखिए जी हाँ, हाँ जी, क्योंकि अब दिन भी ऐसे हैं ना, अगस्त है, पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त के जज्बे में और आज के जज्बे में कितना फर्क है ये भी देख लें। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है कि कायदे आजम ने खुद ही कह दिया कि अगर आप यूनाइटेड नहीं होंगे, आपको एक दूसरे में फेथ नहीं होगा, अल्लाह के अंदर आपका पक्का फेथ नहीं होगा और आप में डिसिप्लिन नहीं होगा। देखिए सारी चीजें आ गई उसी में और वही चीज नहीं है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ना, तो मैं तो किसी को भी ब्लेम नहीं करती, मैं अपने आप को करती हूँ जी, कि मैंने अपने लिए, मैंने इस पाकिस्तान में क्या अच्छा किया कि मुझे ये कहने में फख्र हो गया कि मैंने बहुत अच्छा किया है। सदन खराब है, फलां खराब है, फलां खराब, भाई हम अपने आप को ठीक करें, अपने बच्चों को सही तरबियत दें, माए हैं, कायदे आजम ने तो यही कहा था ना कि अच्छी माए दो मैं तुम्हें अच्छा वो दूंगा। हाँ। तो उसमें ये है कि आपको खुद अपने आप को देखना है। अच्छा कौन सी एक चीज है जल्दी से बताइए जो मोहसिना आप समझती हैं कि आप अपने अंदर ठीक कर रही हैं सबसे पहले? मैं अपने घर की एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और तबीयत, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, अब मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह चार,
जी, उनको मैंने प्योर पाकिस्तानी बनाया और मैंने अपने नवासों को, अभी तो नवासों माशाल्लाह तो ओके, उनको भी मैंने प्योर पाकिस्तानी बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप अपनी काविशें जारी सारी रखिए, बाहर रहे हैं, हमेशा बाहर रहते हैं वो लोग। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का झंडा 14 अगस्त को वो बहरीन में भी लहराते हैं। अरे माशाल्लाह, छोटे छोटे से थे तो इजिप्ट में भी लहराया उन्होंने, सऊदी अरेबिया में भी, टर्की में भी, टर्की में भी। और बहुत मैं प्राउड फील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक अच्छे पाकिस्तानी बच्चे पैदा किए जिन्होंने आगे अपने बच्चों को अच्छी तरबियत। और आपकी जो उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं, अल्लाह ताला वो भी पूरी फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत खुशियों के साथ आपको भी, बाल को भी, आपकी पूरी टीम कैसे ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। फरजाना साहिबा, आप कैसी हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र। एक बात कहूँगी नुसरत, हमारा बहुत बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन मैं आज दिल फख्र के साथ कहूँगी कि मेरी नुसरत वैसी की वैसी है बिल्कुल। और कुछ निखार आता है, कहना कुंदन बनती गई हूँ माशाल्लाह, लेकिन कोई गुरूर कोई ऐसी चीज़ नहीं आई अभी तक बिल्कुल। नजरे बच्चे बचाए कि बहुत प्यारा शो लेके चलती, क्योंकि एक रूटीन का शो होता है ना, खूबसूरती के शो की तो असल मेजबान इसमें होती है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही हो और हमारी दुआएं आपके साथ है बच्चे। हाँ, बस दुआओं की जरूरत हमें हमेशा रहती है और आपकी तरफ से बेहतरीन तोहफा यही है, तो दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। आमीन आमीन आमीन। और एक बार को भी बहुत सारी दुआएं। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल दुआ दीजिए, हम भी दुआ करते हैं आप सबके लिए। और आज की टॉपिक जी, वे टॉपिक तो ये देखो, सबसे बड़ा सवाल वही अभी इसका कि हम खुद सवाल हैं अपने लिए, क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। कह रही हूँ हम खुद अपने लिए सवाल हैं जी, कि हम दूसरों में खामियां ढूंढते हैं करते हैं, पहले हम कहते हैं दूसरा काम शुरू करे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपके ख्याल में ये है कि हम दूसरों में खामियां ढूंढते हैं? हाँ, अमल करके दिखाएं फिर हम किसी से सवाल करें। हम अमल करते नहीं है, हम दूसरों से सवाल पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आपने ये क्यों नहीं किया, आप ये क्यों कर रहे हैं। जब हम मिलके सारे काम करेंगे, हम कहते हैं ना पांच उंगलियां होती है मुट्ठी बनती है, एक उंगली कोई काम नहीं कर सकती, तो ये हमारे हाथ बिखर चुके हैं, हमारी मुट्ठी खुल चुकी है। अच्छा, ऐसा मुझे भी लगता है कि अक्सर लोग बहुत से काम खुद नहीं कर रहे होते लेकिन दूसरों को मशवरा दे रहे होते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, उस वक्त मुझे उनके कॉन्फिडेंस पे देख के बहुत मजा आता है। और जब खुद बंदा करता है ना तो दूसरा देख के करता है तो खुशी होती है कि हमने जो बीज बोया है वो दरख्त बनाया, तो उसमें फल लगा है, तो उसकी कितनी खुशी महसूस होती है। सही बात। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लवली कॉलर हमारी फरजाना साहिबा जो दुआओं से हमेशा शुरुआत करती हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ हैं खुर्रम शहजाद साहब। जी जी मैडम। अच्छा मैडम, ये जो शेफ है हमारे, ये तो पहले किसी और चैनल पे होते थे, आजकल आ गए इधर शायद आपके पास? जी जी, आजकल ये हमारे पास आ गए। वैसे हमारा सब्जेक्ट इससे थोड़ा मुख्तलिफ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो हम बाद में कर लेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है और वो कैसे हल कर सकते हैं आप। पाकिस्तान का जो मुझे लगता है वो तो सबसे बड़ा मसला हमारा इधर जुडिशरी का है, अदालती निजाम है, जो इंसाफ नहीं देता लोगों को। और एक और बात मैं कहूँगा कि ये जो हमारे इधर है ना, जी जी बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आप टेलीविजन से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और तो वो आवाज़ मुझे वापस आ रही है। इन्होंने खैर एक ख़ास फील्ड की जानिब इशारा किया कि जी ये एक मेजर मसला है, बहुत अहम फील्ड है, लेकिन उस पर बात हम उसी वक्त कर सकते हैं जब उनके रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर मौजूद हों। लेकिन कोशिश यही है इस महीने में, दुआएँ भी ज़्यादा यही निकलती हैं दिल से कि जो भी है सब बेहतर हो जाए, सब अच्छा हो जाए। सही बात है ना? सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा। वी होप अल्लाह करे ये सब बेहतर हो। ठीक है ना। अच्छा, अब आपकी रेसिपी जो है मेरे ख्याल में वो तकरीबन तैयार हो गई। रेसिपी भी बिल्कुल जस्ट अबाउट टू रेडी, बहुत मजे की। देखें यहाँ सलाद पत्ता रखा जी। अच्छा, इसको हमने ब्रेड को टोस्ट किया था अवन में, तो काफी क्रिस्पी हो चुकी थी जनाब। और ये चटपटी से हमारे स्टेक लाइक स्टेक कह सकते हैं, लेकिन ये क्यूब्स में थे, बहुत मजे हो चुके हैं तैयार। उसके साथ वेजिटेबल्स, टमाटर स्लाइस, इसका अपना एक मजा होता है। अच्छा, चटनी हम खास बना सकते हैं। ठीक है, लाइक इमली की चटनी बहुत मजे की होती है। इसके अलावा आप चाहें दही डिप से भी बना सकते हैं ना इसके साथ। हाँ। वैसे भी हमारे पास यहाँ क्रीम वगैरह और ये चीजें मौजूद हैं, तो डिप कोई बना सकते हैं, क्रीम के साथ बना सकते हैं। चलें, एक गार्लिक सॉस बनती है। हाँ। ठीक है, जिसमें देखिए मेयोनीज मौजूद है, राइट, इक्वल क्वांटिटी में, यानी कि मेयोनीज और दही आपने मिला लिया। ठीक है ठीक है, बहुत मजे का। अक्सर लोग जो रेस्टोरेंट्स में एक रोल खाते हैं बहुत मजे का, उसके ऊपर जो ये डिप जो ऐड करते हैं वो यही सॉस होती है। ओके,
देखिए भाई शेफ हो तो ऐसा हो कि आपने यूं फरमाइश की और उसने यूं पूरी की. ओके तो दही और क्रीम को हम नहीं सॉरी मेयोनीज और दही को हमने मिक्स किया फिर ठीक. इसमें हल्का सा गार्लिक ऐड कर लें, हल्का पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके ठीक है. एंड हल्की सी अगर पार्सली हो चॉप, अगर चॉप पार्सली ना हो तो हरा धनिया ऐड किया तो बहुत मजे की डिप होती है इसका. अच्छा एक वो भी डिप होती है जो रेड से कलर की होती है थोड़ी, मतलब ऑरेंज ऑरेंज से कलर की होती है जिसमें शायद यही चीजें डलती हैं, लेकिन वो कलर कैसे आता है उसमें? केचप भी डलती है? एक तो केचप वाली बनती है. अच्छा एक इसी के अंदर आप हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं. ओके हॉट सॉस उससे हल्का सा रेडिश भी होगा और उसका भी काफी अपना मजे का जायका होता है. ठीक है चिकन भी हमारी होने को तैयार, बहुत मजे की. जब बाइट लेंगे जूसी, हाँ जी जूसी मजेदार बर्गर्स या सैंडविचेस, आप इसको जिस तरह के फॉर्म में बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं. कुछ लोगों को स्टेक फॉर्म में बच्चे मैनेज नहीं कर पाते. अगर बर्गर्स आप इस तरह के बनाएं या सैंडविचेस तो बच्चे स्टेक फॉर्म में कभी कभी मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़ा पीस होता है और उनको बाइट लेने में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है. तो आप उनके हिसाब से इस तरह क्यूब्स में की फॉर्म में भी चिकन है तो बना सकते हैं. यस यस बिल्कुल. और बाकी ना सिर्फ थ्रू आउट हमेशा सिर्फ नगेट्स या फ्राइड चिकन के बजाय आप इस तरह डिफरेंट कर सकते हैं, कभी ग्रिल कर सकते हैं, कभी बेक, कभी ठीक है स्टीम कर सकते हैं. हमारे साथ कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम सलमा. फ्रॉम कराची. जी जी मैं कराची बात कर रही हूँ. हाँ जी सलमा कैसी हैं? ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. आपने एक सवाल किया है ना उसका जवाब देना चाहिए. जरूर दीजिए. हमारी जो लोगों में ओवरऑल नॉट ओनली पॉलिटिशियन सियासतदानों की बात है, डिसिप्लिन फेथ हमारे लोगों में. ओके आपको सिर्फ शादी हालों में वली में नजर आती है जिस तरह लोग उठते हैं यूनाइटेड होके वहाँ बरकरार नजर आती है. और इसके लिए ना हमें पहले खुद से तरबियत अपने बच्चों की सबकी तरबियत करनी पड़ेगी, पहले अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना ये काम. कैसे तरबियत करें ये जरा ये भी बताएं, सब कह तो रहे हैं कि तरबियत करें. अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं कि भाई अगर आप कहीं जाते हैं ट्रैफिक वाइफ अगर आप ले लें, आप हस्बैंड के साथ कार में बैठे हुए हैं तो अगर सिग्नल नहीं तोड़ना है, नज्म जब काट कर नहीं जाना है गाड़ी को, आप देखें ना ट्रैफिक जाम रहते हैं इसीलिए ना. अच्छा ये प्रैक्टिकली समझाएं ऐसी सिचुएशंस में बजाय उनके साथ पार्टी बनने के और खुद भी गुस्सा करने के, उनको थोड़ा कूल डाउन करें और समझाएं, है ना? कूल डाउन करें समझाएं. हाँ जी. दूसरा हमारे स्कूल में देखे ना बर्डन इतना डाला है पढ़ाई का, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं सिखाई जाती कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाते हैं. हाँ बिल्कुल. कुछ ऐसी ऐसी आदतें या ऐसी बातें जो हैं वो हमारे यहाँ हम कभी ओवरलुक कर देते हैं और ज़्यादातर फोकस हमारा बच्चों की अंग्रेज़ी पे या उनके एकेडमिक्स या उनके जो रिजल्ट्स हैं उसमें कितने एज आ रहे हैं इसमें हो जाता है. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त, बहुत शुक्रिया. वी हैव अनदर कॉलर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. और हमारे साथ हैं खालिद. जी खालिद साहब माशाल्लाह आपका शो बहुत ज़बरदस्त है. थैंक यू. हाँ जी खालिद साहब और हमारा सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त है जिसका जवाब आप देने वाले हैं. जी हाँ इसका जवाब जहाँ तक मेरी अकल काम करती है वो ये है कि पाकिस्तान बना था इस्लामी नज़रियात पर. हाँ और हम इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं. आज हमारे अंदर साथी का फुकदान है, आज हमारे अंदर एक दूसरे के साथ मिलनसारी और खुदूस से रहने का फुकदान है. तो यही वजह है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे. शादियों में देखें बेजा इख्तिलाफात, दीगर तकारीब में देखें लग्जेरियस गाड़ियाँ देखें, लग्जेरियस देखें, हम अपना स्टैंडर्ड पहले खुद बना लें तो लाजमी तौर पर हमारी तलब कम हो जाएगी. जब तलब कम होगी तो दौड़ कम हो जाएगी और जब दौड़ कम होगी तो हम कनात सीख लेंगे. मैं समझता हूँ हम सब में कनात का फुकदान है. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. ये भी एक अहम नुक्ता है कनात और मटेरियलिज्म की जो आपने बात की वो तो मुझे लगता है कि इट्स नेवर एंडिंग. ये तो एक चीज़ के बाद आप की दूसरी ख्वाहिश, दूसरी के बाद तीसरी ख्वाहिश, मगर ये पूरा शो है और इस पर तो पूरे शो में बैठ के बात करनी चाहिए कि कनात हमें आखिर कभी मैसर आएगी भी या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉल और थैंक यू आप सब ने बहुत अच्छा अच्छा इनपुट किया. एक ब्रेक आ गया है और आप ज़रा ये बता दीजिए इसके बारे में. अच्छा फाइनल रेडी रेसिपी बिल्कुल फाइनली हो चुकी है तैयार, बहुत मजे की. और आई वुड से कि ना सिर्फ लंच या डिनर के आप 11 बजे
इस तरह की चीज खा सकते हैं, हाई टी में एंजॉय कर सकते हैं, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, चाय के कप के साथ इसका अपना ही बहुत मजे का जायका और किसी का दिल जीत सकते हैं दुनिया में इस मजेदार डिश का। बिल्कुल, और खास तौर पे उन लोगों का जिनके दिल का रास्ता मेदे के जरिए। थैंक यू सो मच शेफ इकबाल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद हम एक बहुत ही सेंसिटिव भी लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। ऑन्कोथर्मिया एक थेरेपी है, क्या थेरेपी है, ब्लड कैंसर के अलावा सारे कैंसर्स को मैंने सुना है ये क्योर कर सकते हैं, कैसे, इसका जवाब मिलेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसके अलावा कौन कौन से कैंसर्स हैं और क्या ये ऑन्कोथर्मिया के प्रोसेस से ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में हमारी मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगी। डॉक्टर साइमा जहूर को हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ऑन्कोथर्मिया स्पेशलिस्ट हैं। मैंने तो ये टर्म पहली दफ़ा सुनी है ऑन्कोथर्मिया। yes. और ये क्या है, और खुशी इस बात की हुई कि हर तरह के कैंसर को सिवाय ब्लड कैंसर के ट्रीट कर सकती है, तो प्लीज़। ऑन्कोथर्मिया एज इट्स नेम इंडिकेट, ऑन्को इज कैंसर एंड थर्मिया इज हीट, थर्मल, यू नो, सो इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थ्रू हीट। So basically it is a non-toxic therapy, एक non-invasive, non-toxic therapy है जो basically हमारी body के अंदर जो regulatory system है, एक natural regulatory system होता है। अगर मैं थोड़ा सा layman language में आपसे बात करूँ, हाँ जी, उसी में कीजिए ताकि हमें समझ जाए, understand कर जाए। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मेकैनिज्म है, जैसे फौज हमारे मुल्क को संभाल रही है और डिफेंस कर रही है, इस तरह बॉडी के अंदर बहुत सारा हमारे सेल्स ऐसे हैं जो डिफेंस करते हैं, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रही हो तो आके उस पर एक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सिस्टम है, वो नेचुरल सिस्टम को बेसिकली ये प्रमोट कर रही होती है ताकि जो कहीं अगर ट्यूमर है उस चीज़ को ये किल करे, ख़त्म करे, एंड ऑफ कोर्स कैंसर्स को हील करे। अच्छा, जो हम कहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम है, yes. उसे बेहतर कर देती है, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करती है, और एक रेगुलेटरी सिस्टम डिफेंसिव मैकेनिज्म के साथ भी एक और सिस्टम ऐसा होता है जो बेसिकली कहीं भी ट्यूमर सेल्स हैं, कहीं भी कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है उसको जाके ऐड कर रहा होता है। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें, इम्यून सिस्टम को भी कर रहा होता है, एक नेचुरल सिस्टम है रेगुलेटरी उसको भी बैलेंस कर रहा है, जो हमारी हम सब की बॉडी है नॉर्मल फंक्शनिंग। अच्छा, इसके क्या सक्सेस रेट है और किस स्टेज पर सक्सेस मिल सकती है अगर ऑन्कोथर्मिया की तरफ जाया जाए? अगर थोड़ा सा इनिशियली इसका बताऊं तो बेसिकली हमारे पास तीन स्टेजेस हैं, अर्ली स्टेज, और उसके बाद हमारा लोकली एडवांस स्टेज जो कि स्टेज 3 कहलाता है, एंड देन आपका लेट स्टेज होता है मेटास्टेटिक स्टेज जो आखिरी स्टेज कहते हैं, स्टेज 4 होता है। तो अगर हम इस पे बात करें तो हमारे पास दो इंटेंट आ जाते हैं ट्रीटमेंट के, एक हमारा इंटेंट है क्यूरेटिव और एक इंटेंट है प्लेलिएटिव। अब उसको भी मैं थोड़ी आसान जबान में बताऊं कि क्यूरेटिव, हाँ, आसान जबान में भी बताइए, और साथ में क्योंकि मेरी टीम ने ये मशीन दिखाना शुरू कर दी है तो दैट्स द मशीन जो यूज होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मशीन है, इट्स अ बेड, इट्स अ वाटर बेड, आप इसमें नजर आ रहा होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड बेड के अंदर है, और अभी आप देख रहे हैं कि एक इसके ऊपर भी हम एक इलेक्ट्रोड रख रहे हैं, प्रोब रख रहे हैं, जो कि नॉर्मल मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल का होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी एडजस्ट बॉडी के कंट्रोल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है जी। हम ये ऊपर का इलेक्ट्रोड और जो वाटर बेड नीचे है, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा। जो ओनली टारगेट कर रही होती है ट्यूमर सेल्स को। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये हेल्दी टिश्यूज को क्यों नहीं एक्ट कर रही है, हीट जा रही है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो हमारे ट्यूमर सेल्स हैं बेसिकली वो कंडक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो कहते हैं ना बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर, हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो ट्यूमर सेल्स बेसिकली इन इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, वो उससे अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसको कैप्चर करती है जहाँ ट्यूमर साइट है और वहीं हीट प्रोड्यूस करती है। तो बेसिकली ये डायरेक्ट ही कर रही होती है ट्यूमर साइट को, हेल्दी टिश्यूज को एक्ट नहीं कर रही होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि बींग एन ऑन्कोलॉजिस्ट, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी में भी यही होता है कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, हमारे नॉर्मल सेल्स भी एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें यह है कि नॉर्मल टिश्यूज को कहीं भी एक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये मुझे एक नई थेरेपी लगी है। एग्जैक्ट। और इसकी कितनी सिटिंग्स
आपको रिक्वायर्ड होती हैं तीनों स्टेजेस के हवाले से आप बता दीजिए, अर्ली आ गए या बीच में आए, लेटर स्टेज में आए, ठीक है, कितनी सिटिंग्स में आपका आपकी सेहत बिल्कुल सही हो जाएगी? देखिए, एक तो खैर ये नई टेक्निक है नहीं, पाकिस्तान अच्छा। में फर्स्ट टाइम आई है, अदरवाइज 1988 में इन्वेंट हुई थी एंड ये यूरोप साइड पे इस वक्त 19 कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ये ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 लाख से ज्यादा ट्रीटमेंट इसके सेंटर्स हैं और वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स का, तो उस हवाले से। और सेकेंडली आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्टेज कितने सेशंस होने चाहिए, तो सेशंस इसके बेसिकली 10 सेशंस हमने मिनिमम रखे हैं। अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें 10 सेशंस में ही ख़त्म कर देना है, हम देखेंगे रिस्पांस। अगर हमने क्यूरेटिव इंटेंट में करना है, और हम इसको बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इज ये ट्रीटमेंट का मकसद ये कि ये अगर हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साथ देते हैं तो उसकी एक्टिविटी को भी इन्हांस कर रहा होता है। तो क्यूरेटिव इंटेंट में हम इसको अगर कीमो या रेडिएशन के साथ देते हैं या सोलो भी देते हैं, तो इट डिपेंड्स हमें रिस्पांस कितना मिल रहा है। हम मिनिमम 10 सेशंस पे जाते हैं और उसके बाद हम इसका वर्कअप कराते हैं, ऑफकोर्स रेडियोलॉजिकल स्कैन वगैरह करा रहे होते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें हमें फिर पता चलता है कि कितना रिस्पॉन्स आया, उसके अकॉर्डिंगली हम इसके सेशंस को बढ़ा सकते हैं। बट मिनिमम इज 10 सेशन फॉर 1 आवर, एक सेशन 1 घंटे का होगा और 10 सेशंस हम ऑल्टरनेट डे पे रख रहे होते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी खुदा न खास्ता ये मर्ज है, किसी भी किस्म का कैंसर है, वो अपनी अद्वियात जो नॉर्मली ले रहे हैं उनको छोड़ के आपके पास आएंगे या उनको कंटिन्यू किए हुए ही आपके पास आएंगे? अच्छा, अब मेरे पास देखिए, अब मोडालिटीज जो है कैंसर की वो 3 हैं। हम जेनी मोडालिटीज इज लाइक हमारे पास ट्रीटमेंट्स कितने चल रहे हैं इस वक्त, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है एंड सर्जरी, ये दीज आर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट्स राइट। इनको इनके साथ ही वो हम ट्रीटमेंट देंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आप किसी भी मेन जो हमारा डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी एक्टिविटी को, उसके रिजल्ट्स को इन्हांस करता है। थोड़े से ये लोगों के दिमाग, क्योंकि ये नई मशीन है, लोगों के हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट के बहुत सारे दिमाग में ये चीज़ है कि शायद ये जो है काउंटर कर रहा है किसी ट्रीटमेंट को। नो, ये डजंट काउंटर एनी ट्रीटमेंट। मैं खुद ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी से मेरा अपना ताल्लुक है, तो किसी को काउंटरैक्ट नहीं कर रहा, उनकी उनके रिजल्ट्स को इनहांस कर देता है और बेहतर कर देता है और अच्छा कर देता है, कर देता है। एग्जैक्टली, ये क्यूरेटिव इंटेंट में है। और अगर पेलिएशन में जाएं हम, जैसे स्टेज 4 बताया, पेलिएशन मींस कि हमें अब पेशेंटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, उसका सर्वाइवल इंप्रूव करना है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे आपने देखा होगा पेशेंट बहुत वर्स, बहुत बुरी हालत होती है, तो उसकी सिम्टम्स को रिड्यूस करके एज अ मोनोथेरेपी सिंगल सोलो हम ये भी दे सकते हैं, या हम चाहें तो हम लाइटर डोज में कीमो या रेडिएशन के साथ अलॉन्ग विद रेडिएशन कीमोथेरेपी हम ऑन्कोथर्मिया के सेशंस दें। उससे ये होता है कि पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और जो इतनी वर्स सिचुएशन हो चुकी होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो चुकी होती है, उसको ये बेहतर कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ भी बताइए, जब किसी को ये बताया जाए कि खुदा न खास्ता उनको कैंसर हो गया है, तो उनको लगता है कि ये डेथ सेंटेंस है, हमें आज तक ये लगता है, बिल्कुल, क्या हर कैंसर का इलाज मुमकिन है या कोई ऐसा कैंसर है कि जब आप वो सुने तो उसके बाद वाकई हाथ पैर छोड़ देने वाली सिचुएशन होती है? हर कैंसर का इलाज मुमकिन है अगर वो अर्ली स्टेजेस में पिकअप हो जाए, ठीक है। थोड़ा सॉलिड कैंसर की बात करें, लुकीमिया अच्छा ट्रीटेबल, ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि नहीं जी ब्लड कैंसर हो गया दैट्स इट, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इट्स रॉन्ग, ये गलत कंसेप्ट है। ल्यूकीमिया के अंदर भी पेशेंट सर्वाइवल है और अच्छा है। इट डिपेंड्स कि वो कौन से टाइप का ल्यूकीमिया है, कुछ अग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं, इसी तरह जैसे आप किसी भी सॉलिड ट्यूमर की बात करें तो उसमें भी कुछ अग्रेसिव हैं, कुछ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं, तो इट डिपेंड्स कि कौन से टाइप का ट्यूमर है, कौन सी स्टेज पे ट्यूमर है। डेफिनेटली ट्यूमर ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि कैंसर का पेशेंट अगर हार गया हो या कैंसर हो गया किसी को तो बस दैट्स इट, खत्म हो गया। बट इट्स गुड कि आप पहले चले जाएं, फौरी जैसे ही सिम्टम्स आए, जैसी बात हो। मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के हवाले से भी एक बात लोगों को कन्वे करना चाहूँगी, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बहुत सारी, और ये सिर्फ मैं लोअर तबके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर तबके की बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, और प्लस ये कि लोग छुपाते हैं, डोंट डू दैट प्लीज़। ये आप लोग अर्ली स्टेज में, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूँ तो ये तो एडवांस स्टेज में भी पिकअप में भी ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली, ये हम थर्ड स्टेज पे भी जाके जो लोकली एडवांस होता है उसमें भी हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर रेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो खवातीन हैं वो उस चीज़ को अवॉइड करती हैं, 40,000 खवातीन हर साल इफेक्ट होती हैं, 40,000 डाई बिकॉज ऑफ ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और ये ट्रीटेबल है, एंड इट इज ट्रीटेबल। अच्छा जी, हमारे साथ मिसेस तनवीर की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है।
हाँ जी प्रोग्राम देखा मैंने अभी देख रही थी तो इसमें आप लोग ये मैंने तो बिल्कुल नया सुना या ऑन्कोलॉजिक टॉपिक का तो ये मेरी मदर को जो है ना अभी हाल ही में उनका रिलेशन खत्म हुआ है ना तो डॉक्टर ने तो उनको 5 साल की मेडिसिन वगैरह भी नहीं दिए तो वो कह रहे हैं अब ये मैं ये जो दिखा रहे हैं आप जी. तो ये मैं अपनी मदर को करवा सकती हूँ. आपको इनकी बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई. लेकिन क्या क्या कैंसर क्या कौन सा रीजन का कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर है जी. ओके ठीक है ठीक है. हम ऑन एयर इसके बारे में डिस्कस करें. आपने और तो कुछ नहीं पूछना ना. ठीक है मिसेस तनवीर, हम आपको ऑन एयर इसके जवाब देंगे लेकिन ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. डॉक्टर सायमा जहूर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्कोथर्मिया स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. कॉलर ने ब्रेक से पहले आपसे सवाल किया था ब्रेस्ट कैंसर के बारे में. बिल्कुल, उसमें ये है कि आई थिंक इस पेशेंट का जहाँ तक मैंने असेस किया है कि ट्रीटमेंट हो चुका है. ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी हम मल्टी मोडालिटीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रीटमेंट्स. उसमें डिपेंड करता है अर्ली स्टेज का है जो कि ये बता रहे हैं मुझे कि रेडिएशन भी हो चुकी है. तो रेडिएशन के बाद ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो जाता है. और ये जो मुझे बता रही थी कि 5 साल का ट्रीटमेंट बेसिकली वो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है. वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर बॉडी में वो हार्मोनल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं. और लोगों में मिसकंसेप्शन है कि सबको 5 साल के लिए आपने हार्मोनल थेरेपी देनी देनी है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. हमारा अगर ER रिसेप्टर एक ईस्ट्रोजन जो हमारे बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर होता है तो अगर वो पॉजिटिव है या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो हम 5 साल के लिए एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी दे रहे होते हैं. लेकिन वो हम मेरे पास भी अक्सर पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि जी आपने वो हमें 5 साल की गोली नहीं दी, आपने उसको दी थी, तो हमारा तो कैंसर ट्रीट नहीं मतलब सही से नहीं हो पाएगा. तो इट्स नॉट लाइक दैट. वो डिपेंड करता है, अगर वो नेगेटिव है तो उनको हार्मोनल थेरेपी नहीं दी जाएगी. ऑन्कोथर्मिया के हवाले से यही है कि उनका हम वर्कअप करके देख सकते हैं. अगर कहीं कोई डिजीज़ बाकी है और रह गई है हम उसको ट्रीट कर लेंगे. अदरवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इनका कंप्लीट हो चुका है. अनटिल एंड अनलेस कहीं खुदा ना खास्ता रिकरेंस होती है या रेजिडुअल मास होता है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. अच्छा, वैसे जब हम कैंसर कहते हैं और ये आज आपसे हमें पता चला कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ऑब्वियसली वो ब्लड कैंसर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, बाकी ट्यूमर्स होते हैं. बिल्कुल, ये ट्यूमर्स कहीं भी आपकी बॉडी में बन रहे हों ये खतरनाक है. बिल्कुल, अगर ये मेलिग्नेंट है. यस यस, एवरी ट्यूमर में भी बिनाइन एंड मेलिग्नेंसी आती है. बिनाइन भी होते हैं, जैसे यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड होता है तो इट्स बिनाइन, हम इसको रिमूव कर देंगे, दैट्स इट. बिनाइन स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं और जो मेलिग्नेंट होते हैं ना बहुत फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं, अनकंट्रोल मैनर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो वो ऑफ कोर्स डेंजरस है और वो कहीं भी बन सकते हैं. ठीक है, इसके बारे में मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती थी, बट वी हैव अ कॉलर. अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब. वालेकुम सलाम. मैम, मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरी मदर का ओवेरियन कैंसर का केस था और इसे स्टेज 3 पे ये डिक्लेयर हुआ है. तो उन्होंने पहले 3 साइकिल्स कीमो के डॉक्टर ने दिए हैं, फिर उसके बाद सर्जरी हुई है, अब दोबारा उसके बाद सर्जरी के बाद 3 साइकिल्स दिए हैं उनको. तो अब ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो गया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हम क्या एहतियाती तदाबीर करें और रिपोर्ट्स वगैरह भी सब क्लियर आई हैं, तो अब हम क्या एहतियाती तदाबीर करेंगे ये दोबारा ना आए. अच्छा, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, 6 साइकिल्स मिल चुकी है उन्हें. जी जी सर, 3 साइकिल्स हो चुका है. सॉरी, स्कैन हुआ उनका जिसमें डिजीज क्लियर हो गई है? जी हाँ, क्लियर हो गई है. डॉक्टर बताते हैं कि अभी बिल्कुल क्लियर है. 2 मंथ्स के बाद उसने बुलाया है, 2 मंथ्स देन आफ्टर देन 2 मंथ्स. ठीक है, हम ऑन एयर आपके इसका जवाब देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर द कॉल. अच्छा, इसमें ओवेरियन कैंसर के साथ अब जो इनका ट्रीटमेंट हो चुका है वो डन है, बट इसमें फॉलोअप बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टेज 3 कैंसर है, रिकरेंस के चांसेस हैं. तो इसमें मंथली बेसिस पे एक ट्यूमर मार्कर होता है CA125, ही मस्ट बी नोइंग दैट. तो वो ट्यूमर मार्कर मंथली बेसिस पे रिपीट करके चेक कर रहे होते हैं कि वेदर वो नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है या नहीं है. एंड आफ्टर 3 मंथ्स इनका CT स्कैन रिपीट होगा, बस जस्ट फॉलो अप पे रखना है. और हमें देखना है कि डिजीज़ वापस पलट के तो नहीं आ रही. अल्लाह ना करे अगर ये डिजीज़ वापस पलट के आती है, देन वी हैव अ ऑप्शन ऑफ ऑन्कोथर्मिया अलॉन्ग विद सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी, कि हम कोई लो डोज के अंदर कीमोथेरेपी के साथ ऑन्कोथर्मिया. लेकिन उनका कंसर्न ही ये है कि हम उन्हें कुछ ऐसी टिप बता दें सो दैट कैंसर रिवर्ट ना हो. ऐसी टिप देयर इजंट एनीथिंग लाइक दैट, कि हम ऐसा बताएं कि कैंसर रिवर्ट नहीं हो. यही कैंसर की एक
ड्रॉबैक कह लें, एक इसमें एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है कि ये जी वापस कब पलट के आ जाए, वी डोंट नो। अच्छा, हाँ जी, ये यहाँ पर है। और ओवेरियन कैंसर या कोई भी कैंसर हो उसमें रिकरेंस, हमारी देखिए मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रही होती है। अब हमें नहीं पता वो बॉडी के सिस्टम में या जीन्स में या सेल्स में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको रिवर्ट ना होने दे या उसको रिकरेंस में ना जाने दे। तो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी कि वो कैसा रिस्पॉन्स करे। इसमें ऐसा नहीं है कि हम इम्यून सिस्टम पे तवज्जो दें, उसे बेहतर करें तो शायद बच जाए। ऑफकोर्स देखिए, हेल्दी डाइट हो, न्यूट्रिशनल सपोर्ट हो, लाइफ स्टाइल आपकी मॉडिफाई हो, तो ऑफ कोर्स वो तो हम इनिशियल बेसिस पे करें, हम यहाँ तक पहुँचने के बाद ना करें। हम अपने लाइफस्टाइल को अगर पहले से बेहतर करें और इनिशियली बिफोर मूविंग, अल्लाह ना करे किसी भी कैंसर पे आए, उससे पहले अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को थोड़ा सा बेहतर करें, तो आई थिंक हम इस चीज़ तक पहुँचेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और बात बताइए, हम ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ट्यूमर्स अगर आप थोड़ा सा इसके सिम्टम्स बता सकें कि कोई भी ट्यूमर आपको बॉडी में कहीं भी है, सॉफ्ट है तो वो मुश्किल है, हार्ड है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, कोई उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं जिसके बाद आपको डर होना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है? आई थिंक किसी भी लम्ब के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब वो चाहे, अब हम तो कहते हैं कि हार्ड होगा, नॉन टेंडर होगा, उसकी शेप इरेगुलर होगी। अगर कोई नॉर्मल जैसे बिनाइन लम्ब है तो उसकी शेप जो होती है वो रेगुलर होती है, वो तो जैसे अब एक सेप्सिस है तो हमें वो पता चल जाता है, बट स्टिल वही बात है कि हर लम्ब को हमने कंसिडर करना है, वी शुड गो टू एनी डॉक्टर और उसको हमने चेकअप कराना है, उसके टेस्ट कराना है, किसी भी लम्ब को ऐसे नहीं छोड़ना। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर में भी पेनलेस लंप होता है, नॉर्मली जो हमारे सिस्ट वगैरह होती हैं उसमें थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन उसको भी हमें कंसिडर करना है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो आप जल्दी से बता दीजिए। एक तो ऑन्कोथर्मिया क्या पेनफुल प्रोसेस है, और दूसरा इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, महंगा है? पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एक हमें जो बेनिफिट है, क्योंकि कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी सेल्फ साइड इफेक्ट्स के साथ है, मैं हम खुद अपने बहुत पेशेंट्स को दे रहे होते हैं, लेकिन ऑन्कोथर्मिया के जो एक फेवरेबल पॉइंट है वो ये है कि इट इज़ नॉन टॉक्सिक, कोई पेनलेस ट्रीटमेंट है और नॉन इन्वेजिव है, कोई इंजेक्टेबल्स, ड्रिप्स एंड ऑल ये सब कुछ नहीं है। आप बस बेड पे लेटे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी और आपको कुछ फील भी नहीं हो रहा, इवन हीट फील नहीं हो रहा। अच्छा, उस हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है? इवन वो हीट जाके ट्यूमर पे तो एक्ट कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी पे बहुत लाइटर मोड में एक्ट करेगी। 38 डिग्री टू 42 डिग्री पे हम हीट दे रहे होते हैं। अब आप, हम तो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं तो 38 और 40 इज लाइक अ माइनर थिंग फॉर अस, और लेकिन वो भी हमारी स्किन पे इतनी हीट नहीं दे रही होती है। और महंगा प्रोसेस है? महंगा रेडिएशन कीमोथेरेपी से तो लेस है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा अगर नॉन अफोर्डिंग यह है तो उसमें हम इसमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। देख लेते हैं, और हम फंडिंग भी कोशिश कर रहे हैं कि जनरेट करें, मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हमारे पास फंड्स वो होंगे तो हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्राइटेरिया और अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबल कर लेंगे। ठीक है, शाहीन हमारी लास्ट कॉलर है इस सेगमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाहीन जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ जी, मैंने एक मसला पूछना है, मेरे साथ मतलब मेरे राइट ब्रेस्ट में दर्द होता है। ओके, और कोई टेस्ट राइट ब्रेस्ट में दर्द होता है, और दर्द जो है वो आता है दर्द, और दर्द जो है मतलब हर वक्त पूरा दिन रहता है, और तकरीबन 4-5 साल हो गए कि इस तरह से तकलीफ है मुझे, तो बीच में से दर्द गायब भी हो जाता है, ये नहीं कि से कंटिन्यू जैसे रहता है ना उस तरह से नहीं होता, बीच में से 2-3 दिन नहीं होता फिर होता है, तो मैं बड़ी परेशान हूँ। तो आपने आज तक किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को जी मैं गई हूँ, 2-3 डॉक्टर्स हैं उनके पास गई हूँ, तो उन्होंने वो कुछ ट्यूब वगैरह होती है वो दे देती हैं, कुछ मेडिसिन दे देती हैं, तो उससे वक्ती तौर पर आ जाता है आराम, लेकिन उस तरह से मुस्तकिल नहीं है ना, तो टेस्ट भी हुए थे वो टेस्ट मेरे क्लियर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करना चाह रही हैं, आपकी एज क्या है? मेरी एज 40 है। इसका कभी कोई स्कैन करवाया है ब्रेस्ट का? मैम ये मैंने करवाए थे, कुछ टेस्ट थे मुझे उनके नाम नहीं याद। अच्छा, तो उसमें मेरे ख्याल मैमोग्राफी थी। मैमोग्राफी नॉर्मल आई थी? जी नॉर्मल आई थी। देन इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है? हाँ नहीं, अगर मैमोग्राफी हमारा बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। मैमोग्राफी है ना? हाँ बिल्कुल। कब कराई थी? तकरीबन 4 साल पहले।
ना यू शुड गो, आपने रिपीट करानी चाहिए आपको, ये आपको टू एयरली बेसिस पे रिपीट होनी चाहिए। तो आप बेहतर यही है कि आप मैमोग्राम रिपीट करवाइए और उसके बाद किसी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाइए एंड देन शी विल डिसाइड के व्हाट टू डू। अगर उसमें कुछ खुदा ना खास्ता हमें कुछ ऐसे मिलता है कैंसरस एलिमेंट मिलते हैं तो और डेफिनेटली वो फिर ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। शाहीन थैंक यू सो मच फॉर द कॉल और अपना ख्याल रखिए और बाकी इसको रिपीट कराइए जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका यहाँ पर आने का और ये एक नई ट्रीटमेंट से मुतारफ कराने का और आई होप लोग जो इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो ज़रूर आपको भी कांटेक्ट करेंगे या इसे सर्च करेंगे। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं दोबारा आपसे एक सेशन रखेंगे, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगा। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे मुल्क की लड़कियाँ जो मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, जो अपना नाम भी बना रही हैं और बाकी सब के लिए भी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, उनसे हम मुलाकात करेंगे। बातें होंगी बहुत सारी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और इन मेडल्स को हाथ में लेने का मज़ा ही और है, लेकिन जिनको ये पहनाए जाते हैं और मिलते हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमारी बड़ी प्यारी सी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़। जैसे मैंने पहले कहा था कि वो हम सब के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ एडमिरेशन है, सोर्स ऑफ प्राइड हैं। और अगस्त का महीना है तो हमने कहा ज़रूर इनसे बात करनी चाहिए, इनकी कहानी आपसे शेयर करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले तो एक ऐसा गेम जिसके लिए हर पाकिस्तानी के दिल में बहुत जज्बा है और कहने के लिए बहुत कुछ है, वो है क्रिकेट। तो हमारी पहली मेहमान हमारी क्रिकेटर मासूमा जुनेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक। और ये डॉक्टर बनने वाली थी, मुझे इनकी प्रोफाइल देखकर पता चला कि बायो तो इन्होंने ऐसे ली थी और ऐसे पढ़ी थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जी, अम्मी का बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। हाँ। लेकिन और मैंने एडमिशन भी लिया था, मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी, उसी दौरान मेरा कैंप वगैरह शुरू हो गया, सिलेक्शन हो गया पाकिस्तान। अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं, अभी क्रिकेट नहीं हो रही है, अभी बॉल के पीछे नहीं भागना है, पूरी मैंने आपकी स्टोरी सुननी है, एक एक करके सबकी स्टोरी आज आपको सुनवाएंगे कि बचपन से इनकी ज़िंदगी में क्या रहा, क्या गोल थे और कैसे इन्होंने अपने इस पैशन को पाया। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान हैं, सब बच के रहे, बॉक्सर हैं और अनम कम्बरानी इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, नेशनल चैंपियन, कैसी हैं? ठीक ठीक ठाक हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस है, आराम से है ना? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग कर करके तो ये कॉन्फिडेंस आना ही था। अच्छा जी, चलें अनम आपकी तरफ हम वापस आएंगे। वी हैव महवेश नाज, हॉकी प्लेयर हैं, नेशनल चैंपियन हैं और इंटरमीडिएट इन्होंने कर लिया, राइट? कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे क्या प्लान है करने का? आगे पढ़ने और साथ साथ अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का बिल्कुल है। अच्छा, क्या हॉकी आगे तक मैं जारी रखूँ? आगे तक जारी रखें, ओके। एंड वी हैव इस वक्त हमारे पास टाइकोंडो एंड आर्म रेसलर मौजूद हैं, कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, कैसी हैं? फाइन, आप भी ठीक हैं? और मैंने इन्होंने मुझे बताया कि बीडीएस कर रही हैं तो मैंने कहा पहले दांत तोड़ोगी और फिर दांत लगाओगी, ये लग रहा है मुझे, है ना? नो। अच्छा चलिए जी, आप सब ने अपनी अपनी बात बतानी है, अपनी पढ़ाई भी बतानी है, स्पोर्ट भी बताना है, कैसे आप लोग माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे शुरू करते हैं मासूमा, आप बताइए। जब मैंने शुरू किया 2007 से खेलना शुरू किया और उस वक्त आप क्या कर रही थी? उस वक्त मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया था, उसी दौरान कॉलेज में मैंने खेलना शुरू किया तो हमारी कोच हुआ करती थी उस वक्त मिस नाहिद, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही खेलते हुए देख लिया, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया कि उस लड़की को बुलाओ जो अभी खेल रही थी। अच्छा, तो पता नहीं कहाँ से उन्होंने मुझे ढूंढा और फिर उन्होंने कहा कि ट्रायल्स होने वाले हैं नेशनल स्टेडियम में और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप हमारी कॉलेज की तरफ से जाएँ और वहाँ पर जाके ट्रायल्स दें। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी ज़्यादा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था उस वक्त, और शौक बहुत था हमेशा से, खेलती ज़रूर थी बचपन में, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है भाइयों के साथ, गली में, इधर उधर, गैरेज, गली में बहुत खेली है, लेकिन एज ए प्रोफेशन इसको ऑप्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल कोई विजन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया था, तो बस कॉलेज से खेलते हुए वहाँ पे गई हूँ नेशनल स्टेडियम में, मैंने वहाँ पे जाके ट्रायल्स दिए हैं एंड लकीली सिलेक्शन हो गया मेरा। जब सिलेक्शन हुआ जोनल खेलना शुरू किया, वहाँ से फिर जो है वो एक जो इंटरेस्ट पहले से था वो डबल हो गया, वो वहाँ पे जब खेलना शुरू किया, फिर उसके बाद जोनल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से कराची टीम, कराची से सिंध की टीम, फिर पाकिस्तान टीम, वाह, सो वो चलता रहा मामला, लेकिन उसमें बीच में हर्डल्स भी बहुत आए, काफ़ी इंजरीज भी हुई, सिलेक्शन नहीं होता था कभी कोई इंजरी,
और कभी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो एक डिप्रेशन एक अलग चलता था उस पर। फिर घर वालों का थोड़ा सा ये प्रेशर था कि भाई पढ़ाई को सफ़र ना करो, अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। तो उसके दौरान सब मैनेज करना, पढ़ाई को भी, क्रिकेट को उस वक्त ये फीलिंग होती थी कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। उस वक्त नहीं, मुझे तो लगता था कि मैं कर जाऊँगी। अच्छा। घर वालों को नहीं लगता था। तालियाँ होनी चाहिए इस बात पर। घर वालों को नहीं लगता था। मुझे ऐसी फीलिंग हमेशा से आती थी कि नहीं हो जाएगा ना मुझसे, क्योंकि वो कभी बस जाते जाते ऐसा हो जाता था कि एंड मोमेंट में ड्रॉप हो जाती थी, वापस कराची आ जाती थी। तो घर वाले ताने देते थे बहुत, घर वाले दोस्त वगैरह वो सभी एक सार्केस्टिक सबकी हंसी होती थी, अच्छा वापस आ गई। अच्छा, बड़ा दिल को लगती थी ये बात कि आप वापस कराची आ रही हूँ अकेले बगैर सिलेक्शन, और वो बस टीम वहाँ जा रही है, मैं कराची आ रही हूँ। लेकिन फिर उसके बाद खेलती रही और कैंप्स में नाम आता रहा, फिर फाइनली एशियन गेम्स के लिए मेरा नाम आया, उसमें फिर हम लोग गोल्ड मेडल जीत कर आए थे। वो सबसे प्राउड मोमेंट था मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। अच्छा, उस वक्त क्योंकि वैसे तो आप अपने मुल्क में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें मुल्क के हवाले से सुनते रहते हैं, तारीफ़ें भी होती रहती हैं, मगर किसी और प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनली आप जाते हैं और आपका झंडा लहराया जाता है या आपको पाकिस्तानी होने की हैसियत से सराहा जाता है, उस वक्त की फीलिंग ही अलग होती है। बिल्कुल, वो जो पैट्रियटिज़म होता है वो यहाँ पे इतना नहीं फील हो रहा होता है। जब आप एब्रॉड जाते हैं, वहाँ पे जब अपना परचम आप देखते हैं और वो नेशनल एंथम बजता है आपके गेम शुरू होने से पहले, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। और मेरे ख्याल में उस वक्त तो दिल चाहता होगा कि कुछ भी कर गुजरो बस। जी बिल्कुल, उस वक्त तो ऐसा होता है कि डू एंड डाई वाला मामला है, क्योंकि आप वो ऑब्वियसली एक तो सबकी नज़रें होती हैं जी, आपको सब फॉलो कर रहे होते हैं, और फिर एक ये भी होता है कि वुमेन्स टीम है, लेट्स सी ये क्या करके आती है। ये चीज़ एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है लड़की। यही मैं ज़रूर आपसे ये वाली बात करना चाहती हूँ, और बल्कि मुझे आपका आज का ड्रेस भी बहुत अमेजिंग लग रहा है, और मैं पूछना ज़रूर ये चाहती हूँ, ये जितनी भी लड़कियाँ, अच्छा इस तरफ तो पूरी जो लड़कियों के एस्थेटिक्स होते हैं ना वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो ये स्पोर्ट्स का अपना गेटअप बनाया खुद? नहीं, हालांकि मैं आज ऑफिशियल ड्रेस में नहीं हूँ, हमारा ऑफिशियल ड्रेस तो ग्रीन कोट होता है। और बस ये कि एक हर किसी की अपनी चॉइसेस होती है, मे बी आई लाइक दिस वे। ओके, आप बताइए भाई मैडम कमरानी। जैसे मैं तो बचपन से बॉक्सिंग कर रही हूँ। आपके वालिद साहब करते हैं ना? वो मेरे जो मेरे फादर है वही मेरे कोच हैं, वही मेरे उस्ताद हैं, वो जो मुझे बॉक्सिंग सिखाते हैं। अच्छा, आप बहन भाई कितने हैं? हम पांच बहन भाई हैं। और बहनें कितनी हैं इसमें? हम दो बहनें और तीन भाई, और सारे के सारे घर में बॉक्सर ही हैं। अच्छा, सब बॉक्सर हैं। अब्बा ने कहा बेटे तो बॉक्सर बनेंगे, बेटियां भी बनेंगी। पहले बॉक्सर बनेंगी, बेटे बाद में बॉक्सर। अरे वाह भाई, क्या बात है। अच्छा, और इसी तरह स्टार्टिंग में बॉक्सिंग में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे पापा ने बहुत फोर्स किया, समझाया बॉक्सिंग, जैसे तो हमने आँखें खोली और बॉक्सिंग कर रहे हम लोग, तो थोड़ा थोड़ा देखते देखते शौक से इंटरेस्ट हो जाता है। और तो मेरे जो दो चाचू है वो खुद इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, मेरे जो दादा हैं वो भी चैम्पियन ही हैं बॉक्सिंग के, और मेरे पापा खुद भी कोचिंग करते हैं, तो वो अपनी बेटियों को भी सपोर्ट करते हैं कि वो भी आगे आए और भी बॉक्सिंग में। अच्छा, अब आप कितने अरसे से, आपने कहा अब आँख खोली तो बस हल्का हल्का सीख रही हूँ, लेकिन प्रॉपर कब से ट्रेनिंग शुरू की? प्रॉपर ये एक साल हो गया तब से। अच्छा, और इसने से 7 से 6 बार हमने टूर्नामेंट्स भी खेले और विन भी हुए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बॉक्सिंग करने के बाद आपको अपने अंदर अपनी पर्सनैलिटी में स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन से हट के क्या तब्दीली लगती है? जब मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन नहीं की थी तो मुझे ऐसा फील होता था मैं चलते चलते गिर जाऊंगी। अच्छा। और इतनी मुझ में जैसे वीकनेस होती थी पहले, और जब बॉक्सिंग ज्वाइन करने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एक पावर भी आ जाता है कि भाई जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि बॉक्सर से तो सब डरते हैं, और वो तो एक कॉन्फिडेंस अपना खुद का एक अलग कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अभी मुझे इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर खेलना है, और घर वालों की फुल सपोर्ट है एजुकेशन में भी, और बीए करेंगे आप। अच्छा, गुड, ओके। और इसके अलावा फुल सपोर्ट है, बस स्पोर्ट बोर्ड वो हम जैसे जैसे वो टूर्नामेंट्स करवाते जाएंगे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और जितने हम टूर्नामेंट्स खेलेंगे उतना हमें रिंग पे खेलने का तजुर्बा होता जाएगा, और इस तरह हमें इंटरनेशनल लेवल पे जब हमें चांस मिलेगा तो हम वहाँ पे मेडल ज़रूर ले आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितनी ताकत है तुम्हारे इस हाथ में? अभी तो कोई किसी को सामने खड़ा करें, मुझे डर लग रहा है, किसी को सामने खड़ा करें फिर मैं उसको पंच मारती हूँ, फिर उससे पूछेंगे कि तुम्हारी हालत क्या है, ये जगह चेंज करवा दे। नहीं नहीं, आप अब जगह चेंज नहीं होगी, अब तो फिर डू एंड डाई इधर भी है। अच्छा, मुझे भाई बताओ, कितना आपको लगता है कि अगर तुम फुल फोर्स से किसी के फेस पे पंच कर दो तो उसका क्या नुकसान होगा? उसका तो नुकसान यही होगा कि ये इसकी चीज़ ही टूट जाएगी अगर मैं उसको सही का पंच मारूं। सीरियसली? क्योंकि अगर हम लोग पंच इस तरह मारते हैं तो पंच लगता नहीं है, जब हम निकल्स बिठाते हैं निकल्स मारते हैं तो वो एक ही हल्का सा पंच ही काफ़ी होता है,
मुझे ज्यादा पावर से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है आपकी। तो कभी आपने लाइव परफॉर्मेंस तो नहीं कर दी? लाइव परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि घर से बाहर निकली हो, गुस्सा आया हो? और नहीं, ऐसे तो हम लोग बाहर निकलते हैं, बहुत मसले होते हैं, थोड़ा खुद को सेफ करके चलना पड़ता है, और थोड़ा जहाँ किसी को दिखाना होता है तो हम दिखा भी देते हैं। इस तरह पंचायत भी हुई है, मसले भी हुए हैं, तो अच्छा? वहाँ पे हाथापाई भी हो गई है। ओके। दो से तीन दफ़ा, अगर जहाँ ज़रूरत पड़े कि हाँ अगर मेरा स्पोर्ट है, मैं अगर जो मुझमें हुनर है मैं यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, तो मुझे वहाँ लाजमी यूज़ करना चाहिए अपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ओके। हाँ जी, आप बताइए भाई महवेश। बिल्कुल, मैं अपने मैट्रिक के बाद मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो मुझे इतना स्पोर्ट्स पे वो नहीं था कि स्पोर्ट्स में क्या होता है, लड़कियाँ कितनी बाहर निकलती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जब मैं कॉलेज पहुँची, मैं अब्दुल्ला कॉलेज से हूँ, मैं जब कॉलेज पहुँची तो इन्वायरमेंट वगैरह देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा। फिर स्पोर्ट्स जिमनेजियम के करीब गई तो वहाँ पर मैंने देखा, मुझे बास्केटबॉल खेलने के शुरू से बहुत शौक था, मैंने वहाँ पर ट्रायल दिया, मैंने खेला। मेरी टीचर मिस माया मोई इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है वो, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे सिखाया, ट्रेनिंग दिया बहुत से स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन, उन्होंने हर चीज़ में मुझे दिखाया, मगर ज़्यादातर मैंने फिर हॉकी में आ गई। हॉकी मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सब कुछ छोड़ा और हॉकी में बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा, मैंने फिर लड़कियाँ ढूंढना शुरू किया, लड़कियों को अपनी ग्रुप बनाने शुरू किया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फिर सलाउद्दीन सर सगीर है हमारे, उन्होंने मुझे आगे खिलाया, अपनी अकेडमी में बुलाया, उन्होंने अकेडमी में, हमने अकेडमी में 22-23 लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियों को जमा किया, और हम उस अकेडमी माया मोइन के अकेडमी में हम वहाँ पे ट्रायल दिया, हमने वहाँ से सीखा, निकले बाहर, और सिंध पहले ओलंपियन हमने खेला था, उसके बाद सिंध में, उसके नेशनल, इस तरह हम आगे बढ़ते गए। और माशाल्लाह सब घर वाले, घर में मेरी कोई लड़की आगे इतना ना पढ़ी है और ना ही स्पोर्ट्स में गई है। अच्छा। और ना ही कोई इतना पढ़ी हुई है। आपके बारे में सब क्या सोचते थे पहले जब आप पढ़ रही होती थी कि बस पहले पढ़ तो लेगी, मना किया था अब्बू को जैसे कि बेटी बाहर निकल रही है, इतना कुछ कर रही है, आगे जा रही है, तो बहुत गलत है, ये है वो है, मगर मेरे अब्बू बेटियों को बहुत इज्जत, मेरे अब्बू बोलते मेरी बेटी है मैं देखूंगा, मतलब यकीन करते हैं वो, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे माँ बाप मुझ पे यकीन करते हैं और मैं हमेशा उनके यकीन को कायम रखूं। अरे माशाल्लाह, वेरी गुड। और कौन सा नंबर है बहन भाइयों में? मैं पहले नंबर पे हूँ। अच्छा, बड़ी हो ना, बड़े बड़े को ज्यादा फीलिंग होती है, और ज्यादा। बिल्कुल, मैं अपने भाइयों को भी कभी फारिग हो तो लेके जाना, खिलाना उनको, आगे करवाने के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, बस अल्लाह पाक मुझे आगे भी करे, इंशाल्लाह, आमीन। और भाई टाइकोंडो पे हमें बात करनी है क्योंकि ये तो मेरा भी बहुत फेवरेट था और अभी भी दिल चाहता है कभी कभी कि सब दुनिया में जब कभी मौका मिले तो मैं भी टाइकोंडो सीखूं जरूर, बड़ा दिल चाहता है, कॉलेज में किया था थोड़ा सा। हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद आपकी कहानी हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और जो आपकी पाकिस्तान की शान और फख्र पाकिस्तान जो बैठी हुई है, सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, और सबको बोलूंगी बहुत बहुत कांग्रेट, बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आप सब अपने अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, और मुझे ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आप यकीन करें, इतनी बड़ी बात है कि आप गर्ल्स होकर इतना बड़ा काम कर रही हैं, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन और जज्बा देखें शाजिया, मैं तो जज्बे पे हैरान हूँ, घर वाले ताने दें कि मोहल्ले वाले कुछ करें कि कुछ भी हो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इन सबसे मैं ये पूछूंगी सवाल जो मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां पाकिस्तान में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, उनमें बहुत सारा टैलेंट है, और हम आने वाली जैसे मुझे सीमाएं भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो ऐसा क्या एलिमेंट होना चाहिए लड़कियों में जो उनको आगे लेकर आए? आप क्या समझती हैं कि क्या चीज जो है मिसिंग है लड़कियों में कि वो ऐसा हो कि वो अपने आप को ऊपर निकालें और आपकी तरह आए? जरूर बताइएगा, और मैं आप सबको बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी, और आई सल्यूट यू ऑल कि आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। लव पाकिस्तान, लव योर शो नुसरत। थैंक यू सो मच शाजिया, और आपकी बात का जवाब मैं दोबारा से यूं सर्कल में ही लूंगी, लेकिन ये है कि हमारी कुरतुल ऐन इस वक्त मौजूद हैं और टाइकोंडो माशाल्लाह चैंपियन है, नेशनल चैंपियन, तो आप इस यहाँ पर कैसे लैंड हुई, क्या कर रही थी? हाँ जरा बताओ अपनी अमेजिंग स्टोरी। बहुत मुश्किल से मैं पहुंची हूँ यहाँ तक। मुझे बस एक क्रेज था कि बस मुझे टाइकोंडो सीखना है, ये क्या होता अच्छा, है किस, किस वक्त से क्रेज था, मतलब बचपन से किसको देखा था? बस मूवीज में देखती थी तो बस अच्छा। मुझे क्रेज था कि मुझे टाइकोंडो सीखना है। सो अम्मी कहती थी कि नहीं कहाँ सीखोगे, नहीं वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, मैं नहीं मुझे सीखना है। तो फिर अम्मी इतना कर भी नहीं पाती थी, फिर मैं जाते जाते मैंने कहा नहीं मैं खुद सर्च करूँगी। फिर जब मैंने सर्च करा, मैं स्पोर्ट्स गई, सिंध स्पोर्ट बोर्ड गई, वहाँ पर फिर मैंने कहा मुझे एडमिशन लेना है।
फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, फिर ले लिया, एडमिशन लिया। फिर जब मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही थी, मुझे इतनी पेन हो रहा था, अम्मी कह रही थी नहीं आप नहीं कर सकते, आप छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। करते करते भी इंशाल्लाह आगे तक मैं पहुँच गई। बहुत ही अच्छा, अभी तो तुमने बड़ी जल्दी जल्दी बता दिया। ब्रेक भी आ गया है, ब्रेक के बाद फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि कितने किस लेवल तक आ गए, कौन सा बेल्ट है? ब्लैक बेल्ट। हाँ आप तो जाहिर है ये नेशनल चैंपियन का तो ब्लैक होगा। 9 years old. 9 years हो गए हैं, अरे वाह। हम तो येलो से आगे गए ही नहीं थे, बस येलो पे ही रुक गए थे इस कॉलेज में, उसके आगे मौका नहीं मिला। तो अब दिल चाहता है कि कभी आगे बढ़े येलो से। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भाई रेसिपी आप लोगों ने बतानी है, वो टिप बतानी है जो शाजिया ने कहा कि लड़कियाँ हमारी आगे आएँ आपकी तरह और कभी भी डिसहार्टेंड ना हो। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, और हमारे साथ बड़ी लवली मेहमान आज मौजूद हैं जिनको आप उनकी फील्ड्स में, उनके ग्राउंड्स में देखते हैं खेलते हुए। हमारे साथ क्रिकेटर हैं, हमारे साथ बॉक्सर हैं, हमारे साथ हॉकी प्लेयर हैं, टाइकोंडो चैम्पियन हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है रुखसार राशिद ने जो कि फुटबॉल प्लेयर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, और रुखसार की एंट्री बहुत मज़ेदार थी, मैं तो चाहती थी ऑन एयर एंट्री कराते, लेकिन खैर। तो इंजरी हुई कहाँ है और क्या हुआ? असल में मेरा स्कूल के आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर ऑल्सो इन द स्कूल, तो मेरी बच्चों का इवेंट था, उसमें टीम की भी पार्टिसिपेशन थी और स्टाफ की भी थी। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने, हमारे नेशनल कोचिंग सेंटर में ही था एथलेटिक इवेंट, तो आई वॉज अ एथलीट, नाउ आई एम ओनली अ फुटबॉलर, सो आई वॉज नॉट ऑन प्रैक्टिस। तो एक प्लेयर का जोश होता है ना कि आपने पुराने इवेंट देखे कि बस मैंने भी करना है, मैं तो फिट हूँ इसके लिए, तो आई वॉज नॉट फिट फॉर दैट। और मैंने वो लॉन्ग जम्प ट्राई कर लिया, और जब मैंने लॉन्ग जम्प किया तो ऑफकोर्स आई वॉज नॉट फिट, वो जो पूरा मेरा वेट था ना, मेरा लेफ्ट नी पे आ गया। तो जब मैंने लैंडिंग की तो मेरा लेफ्ट नी वैसे वैसे रह गया, तो फिर एक पॉपिंग साउंड की आवाज़ आई और बस मैं आई कुडंट गेट अप। तो वहाँ से फिर लोग आए, मुझे लेके गए, फिर हॉस्पिटल हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि जी आपका तो ACL लिगामेंट टियर हो गया है, तो अब तो यही है कि आप इसकी सर्जरी कराएं। मगर आप लोग बड़े बाहिम्मत हैं भाई, इतने आराम से लोग बात करते हैं ना, यूँ सर्जरी हो गई थी, इंजरी हो गई थी, बस फिर मैंने यूँ कर दिया। बड़ा माशाल्लाह हिम्मत है, हो भी गई है। हाँ फिर वो करना पड़ेगा, ये एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट होता है वो। हाँ। अभी इनको आप हैरत है, आइए चल के कैसे आ गई, इसमें भी इनकी बड़ी हिम्मत है। हाँ, और उस पर भी वो मुझे चैलेंज कर रही थी, ऑन एयर चलवा ले, मैं तो सही चलूंगी। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात है भाई, इसी तरह, इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वो एज अ इंसान भी बहुत स्ट्रांग बनाती है और बहुत कुछ सिखाती है। स्टोरी क्या है रुखसार आपकी? बस स्पोर्ट्स का तो पहले से ही शौक था। घर में भाई के साथ साइकिलिंग हो रही है जी, यहाँ खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, मम्मी बुलाती रहती हैं, आ जाओ ऊपर, आ जाओ बस, आ जाओ, रुकसा नहीं करो नहीं करो। तो वो स्पोर्ट्स स्कूल लेवल में तो मुझे चांस नहीं मिला था, बिकॉज देयर वाज नो स्पोर्ट्स माई स्कूल। तो व्हेन आई वेंट टू माई कॉलेज लाइफ, वहाँ पर मुझे एक्सप्लोजर मिला कि हाँ जी, हाँ विमेंस की भी टीम होती है, लड़कियाँ भी प्रोफेशनली खेलती हैं वहाँ। उससे पहले मुझे नहीं था कि लड़कियाँ भी खेलती हैं। तो वहाँ पे मैं कॉलेज में एंटर हुई, खेलते खेलते 2 साल मैंने कॉलेज में ही किए। पहले फर्स्ट माय फादर डिडंट अलाउ मी टू गो आउट ऑफ सिटी, सो ही सेड के आप जी खेलना है ना, आपने शौक है तो आप यहीं तक खेलो, अपने सिटी में खेलो, मैडम के साथ जाना है, जाओ आओ, ठीक है। तो इस तरह मेरी वहाँ से स्पोर्ट्स की एंट्री स्टार्ट हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर फ्रेंड ने बताया कि ये गेम्स हो रहे हैं, वॉलीबॉल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, थ्रो बॉल हो रहा है, तो वहाँ से मेरी ये स्पोर्ट्स हिस्ट्री स्टार्ट हुई। फिर एक दफ़ा सीन के फुटबॉल ट्रायल आउट थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि फुटबॉल के ट्रायल आउट ने साथ देना है ट्रायल आउट। मैंने कहा ठीक है देते हैं, सही, इट्स फन, खेलते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है सिलेक्शन हुई थी, तो मैंने ट्रायल आउट दिया, तो मिस आदिया वॉज देयर, शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ सिंध फुटबॉल एसोसिएशन। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे सिंध टीम के लिए सिलेक्ट किया, एंड शी गेव मी ऑफर टू ज्वाइन हर क्लब। जी, और उनका जो क्लब है वो माशाल्लाह नंबर वन नॉन क्लब है पाकिस्तान का, दिया वुमेन फुटबॉल क्लब। ओके। तो आई फील वेरी प्राउड एट दैट टाइम। तो उस वक्त में कोई खुशी की कोई वो थी नहीं कि आप फर्स्ट टाइम आए, आपने ट्रायल आउट दे दिया और इतने बड़े क्लब से आपको ऑफर आ गई। तो मैंने बस फौरन से कह दिया जी 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 बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट का आया, हम उसे साइन ले लें, मिस आ दिया। तो कहती हाँ मैं दे दूँगी फिर। लेकिन शुरू में काफ़ी हर्डल्स भी आए, फैमिली सपोर्ट की तरफ से भी
शुरू में पूरी फैमिली थी, सपोर्टिव नहीं थी. फिर जाहिर है फिर फादर मिले मेरी सादिया से, उन्होंने बात किया, पूरी मीटिंग हुई. तो इस तरह से फिर मेरी फुटबॉल जर्नी स्टार्ट हुई और फिर आई स्टिक टू इट. I'm still playing as a footballer now. अच्छा भाई, फैमिली को तो टैकल करना फिर भी आसान हो जाता है ना, कोई नाराज भी हो गया तो आपने मना लिया या बेयर कर लिया. लेकिन जो प्रोफेशनली आप जिस तरह आप सब बता रहे थे अभी, थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों ने की, मैं चाहती हूँ उसे एलैबोरेट करें. पॉलिटिक्स कितनी होती है और रवैये लोगों के कैसे होते हैं और हमारे पास क्या इतना सेट अरेंजमेंट है कि लड़कियों के बाकी मसाइल, चाहे वो पर्सनल हों चाहे वो उनके एजुकेशनल हों, उसको फिर उनके प्रोफेशन के सामने रखते हुए लोग आपकी मदद करें. पॉलिटिक्स तो हर जगह है वैसे तो, लेकिन ये कि उसकी मैनेजमेंट जो है स्पोर्ट्स में थोड़ी सी कम है. और लेकिन ये कि वुमेन क्रिकेट में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है. और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो पॉलिटिक्स ऊपर के लेवल पे होती है वो दिखाई दे जाती है, उसको कंट्रोलेबल होती है क्योंकि मीडिया एक्टिव होता है, आपका सोशल मीडिया एक्टिव होता है. राइट. उसमें पॉलिटिक्स उस नोयत की नहीं हो पाती है. जो असल जो आप पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना चाहिए आपको, वो ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्योंकि वहीं से टैलेंट आ रहा है. अगर वहीं पे स्टॉप हो जाए आपका टैलेंट आगे नहीं आ पाता. वहाँ कैसी पॉलिटिक्स होती है, यानी हर फील्ड की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है ना, तो कैसी क्रिकेट में अगर हम बात करें कैसी होती है वो? बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे होती है, रीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. कि फेवरेटिज्म थोड़ी बहुत होती है ऑफकोर्स, वो तो उसको मैं डिनाई नहीं करूँगी क्योंकि वो जाती होगी डिनाई करना. मैंने ऐसा सुना है और मैंने देखा भी है रीजनल लेवल पे. जैसे मैं अभी कराची की बात करूँगी, I don't care about लाहौर वैसा. हाँ. कराची की मैं हूँ तो वो कहूँगी, लेकिन हाँ एक ख़ास टोला बन जाता है कभी कभार ऐसा होता है. और वो फिर ये होता है कि चमचागिरी आप करें तो आप आगे, ना करें तो आप. अब बिल्कुल है. हाँ. ये ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं कि बहुत टीचर्स के पीछे पड़ जाती है बिल्कुल. हाँ. और टीचर्स के बहकावा जैसे. हाँ. बोलते हैं ना, जो नहीं करते वो चीज़ भी सामने आ रही होती है. तो बात है, इसलिए बोलते हैं अपने राज अपने पास रखो, किसी से शेयर ना करो. बिल्कुल अपने तो इन चीज़ों से अभी हमारे हॉकी में भी होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स देते हैं कि कैंप वगैरह बहुत कम लगा रहे हैं वो. मैं चाहती थी कि वो ज़्यादा कैंप लगाएं क्योंकि दो दिन ट्रायल देते हैं और लेते हैं, और जो लड़कियाँ उनकी होती है वो ज़्यादातर अपनी लड़कियों को करते हैं. अच्छा. तो हमें बहुत टफ ट्रायल हो जाता है वो दिन, एक्सरसाइज वगैरह सारे दो दिन में. तो इस तरह मैं चाहती हूँ कैंप लगाएं कि छः महीने पहले क्या प्रॉपर वो मैटर. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, फिर पढ़ाई आ जाती है, फिर बच्चियाँ निकलने, फिर सुबह से जाना और आना, बहुत सारी चीज़ें मुश्किलें आ जाती हैं. जी कुरतुलैन, आपको कोई ऐसी हार्डशिप फेस करनी पड़ी? बस मैं बस मुझे यही लगन थे कि मुझे खेलनी है. बताओ कैसे भी खेलनी. और बस कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, कोई पॉलिटिक्स की तरफ तवज्जो ही नहीं. कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए मुझे, बस प्लेयर खेलना है बस. मैंने आगे निकलना है बस, मुझे आगे. तो लोगों ने रोकने की कोशिश की कि कभी तुम्हें लगा होगी देखो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गलत मशवरा दे रहे हैं? ये चाहा बहुत लोगों ने चाहा, लेकिन बस मंजिल आसान, नियत साफ, मंजिल आसान, मंजिल आसान. आप बताएं भाई, आपकी तो फैमिली की सपोर्ट बहुत रही, लेकिन क्या प्रोफेशनली जो मोहल्ले वाले और रिश्तेदार होते हैं उनको तो पहले अपनी टांग अड़ानी होती है. वो जब टांग अड़ा लेते हैं तभी हम लोग तो कामयाब होते हैं, तभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे हम खेलते हैं. हाँ. तो इनको तो पहले टांग अड़ानी होती है, तो वो भले अपनी पूरी कोशिश करें लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. और सबसे बड़ी सपोर्ट ये होती है कि फैमिली की सपोर्ट होना लाजमी है. अगर फैमिली की सपोर्ट होगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें, चाहे अपना मुंह तोड़वाएं, चाहे जीतें चाहे हारें, क्योंकि फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है. चाहे अगर मोहल्ले वाले कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी बात करते हैं, तो लेकिन क्योंकि अगर मैं किसी को फेस करूँगी, किसी से बात करूँगी कि नहीं मैं खेल रही है, मेरा मसला है, आप लोगों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. अगर से मैं बोलूँगी तो अगर मेरे साथ मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करेगी, उनको फेस तो करेगी, कोई कुछ नहीं तो कुछ कोई कुछ नहीं बोलता. तो और बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा इजी है. तुमने कैसे किया हमें भी बताओ. हाँ. हमारी भी और जब मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बॉक्सिंग खेल रही हूँ, मेरी 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है सुबह भी और शाम भी. जब मैं बॉक्सिंग के लिए जाती हूँ, अभी तक मैंने ना नेशनल लेवल पे मैंने खेला ना इंटरनेशनल लेवल पे, जब मैं खेल भी खेल रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बड़े इवेंट पे खेलूँ, तब भी लोग गलत ही बातें कर रहे हैं कि ये भी जाएगी बॉक्सिंग करेगी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोलते हैं. और जब मैं खेल जाऊंगी तब भी उनका तभी वो कुछ और बोलेंगे, भाई देखो ये वही है ना मैं जो हमने जिसको बोला था, इस तरह की वो बातें करेंगे. और वो उनकी जैसे पहले भी वो बातें ही करते रहेंगे और जब मैं कुछ बन जाऊंगी तभी भी वो बातें करेंगे. और वो जितनी भी बातें करते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला. हां, उससे आप मोटिवेटेड होते हैं. जी कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? आयजा जी, जी फरमाइए जी. मुझे मिली हुई मसलाना था.
क्या करना था? ओहो वाह वाह क्या बात है। अच्छा आयजा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक ब्रेक पे हमें जाना है और आप इसी तरह का वीडियो मैसेज नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, वापस आके भी ब्रेक से मैं बता दूंगी, आप उस नंबर पे अपना वीडियो मैसेज भेजें ताकि हम आपकी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को आपका मैसेज सुनवा सकें और दिखा सकें आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक, बड़ी मज़ेदार हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। ओह कॉलर नहीं है, अच्छा तो भाई इनके साथ मैं इन शॉर्ट करके बता देती हूँ थोड़ा सेंसर करके कि ये कहीं गई थी घूमने और सीवीयू गई थी और वहाँ पर कुछ लोग आए और इनसे स्नैच करने लगे जो गोल्ड का सामान इन्होंने पहना हुआ था, तो इन्होंने उनकी उनके हाथ में जो पिस्टल थी उसे खींचा तो वो टूट गई क्योंकि वो प्लास्टिक की थी है ना? Yes. और फिर तुमने उसके साथ एक और चीज जो की वो बताओ। वो मैंने फाइट की के साथ मैंने फाइट की, फिर मैंने एक पंच मारा उनके बैक पे। अच्छा जी, तो मैंने कहा नहीं आप क्या, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगी, मैं तो भी रिटेलिएट नहीं किया उसने तुम्हारा पंच खा के कि मैं लड़की ने पंच कैसे मारा मैं भी मारूं, नहीं कुछ नहीं का हाँ। बस भागने वो भागने लगे, मैं चिल्लाई वो भागने लगे, उन्होंने सोचा होगा कौन लड़की है जिन्होंने जिसने पिस्टल ऐसे खींची जी और काफी गोल्ड्स की थी, मोबाइल्स थे, अब हर चीज एक बहुत मुश्किल से इंसान लेता है, तो मैं कैसे दे देती, वाह सबको टाइकोंडो सीखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि सेल्फ डिफेंस मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर हाँ। हम हर चीज के मुकाबला कर लेते हैं और भाई हम भी बड़े मेंटली स्ट्रांग हो गए क्योंकि हमें जैसे ही कहा जाता है हम वैसे ही ब्रेक ले लेते हैं तो एक ब्रेक फिर हम वापस आते हैं। वेलकम बैक, हमारे साथ बड़ी ही मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, हमारी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं तो हमारे साथ क्रिकेटर हैं, हमारे साथ बॉक्सर हैं, फुटबॉलर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, टाइकोंडो चैम्पियन हैं, तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। चैम्पियनशिप्स में इन्होंने पाकिस्तान में भी पार्ट लिया है और जब क्रिकेट की हम ऑब्वियसली बात करते हैं तो वो इंटरनेशनली भी इनको मौका मिला है और इनके एक्सपीरियंसेस हैं जो इन्होंने शेयर किए। हमारी कॉलर शाजिया ने एक बात पूछी थी कि भाई वो कौन सी ऐसी चीज़ है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी ऐसी टिप है जो आपको मोटिवेटेड भी रखती है और जो आप बाकी सब लड़कियों को भी बताना चाहती हो कि ऐसा करो या आया ऐसा ना करो। आपसे शुरू करते हैं तो उनको मैं बता दूं कि चैनल किस तरह से आप फाइंड आउट करें ना, तो आजकल सोशल नेटवर्किंग का दौर है, बहुत आसान है कि आप अगर आपने क्रिकेट में आना है तो आप एक फेसबुक पे भी काफ़ी पेजेस बने हुए हैं विमेन स्पोर्ट्स के। अच्छा। और इसके अलावा भी ऑफिशियल वेबसाइट है पीसीबी की, उसमें बकायदा विमेन विंग का पोर्टल बना हुआ है, उसमें सारा अपडेट होता रहता है कब कौन से ट्रायल होने हैं, कब कौन सी जोनल या डिस्ट्रिक्ट मैचेस वगैरह सब होने, तो वो उसमें अपडेट होता रहता है। मज़ीद आप जानना चाह रहे हैं तो उसमें नंबर भी एड्रेस भी होता है विमेन विंग का, उसमें आप कॉन्टेक्ट करें अपने रिस्पेक्टिव रीजन जो रीजनल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका आप नंबर लें, उनको कॉन्टेक्ट करें। रीजनल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी होती है कि वो आपको गाइड करें आप कहाँ आके ट्रायल दे सकती हैं, कब ट्रायल होने, और आप वैसे भी प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो वो आपको गाइड कर देंगे कि फलां फलां एकेडमी है, आप वहाँ जाके अपने आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। इसके अलावा मेहनत है आपका, अगर शौक है तो आप मेहनत करें उसमें, जिम करें, रनिंग करें, अगर ट्रायल हो उसमें आके आप अपनी प्रैक्टिस वैसे करती हैं, आप तो काफ़ी एकेडमीज हैं, प्राइवेट एकेडमीज भी, मगर बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं ना जहाँ दिल हार जाते हैं लोग, तो उस पर क्या करें जब दिल हार रहा हो।
हमने भी बड़े, हमारे भी बड़े दिल टूटे ऑब्वियसली, ये लोग सब इनके सब दिल टूटे हैं, मैं वही जानना चाह रही हूं। और लेकिन दिल टूटा तो क्या किया, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद ही गिव अप कर दें कि नहीं अब तो नहीं खेलना, हाथ हटा दें, तो वो तो ऑब्वियसली आपको फिर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन ये कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती और आप वहाँ पे होते हैं, तो फोकस रहें, अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, प्रैक्टिस हार्ड। जब आप ऑफ सीजन हो उसमें अपना जिम कैरी, वही कैंप से आते हैं वापस आके फिर अपनी वही दूसरी लाइफ। अब जैसे मैंने भी किया, जब मैं एमएससी कर रही थी सुबह जिम होता था, दोपहर में प्रैक्टिस और शाम की यूनिवर्सिटी थी मेरी, मैंने शाम में एडमिशन लिया हुआ था। सो हैक्टिक था लेकिन उसको कैरी ऑन करना पड़ा मुझे, तो कैरी ऑन किया। सो एक मोटिवेशन होती है, वो तो अब खुद पे डिपेंड करती है, जितना आपका शौक है आप उसे। लेकिन ये कि हाँ पंप अप रहें, कोई ऐसी बात नहीं, अगर नहीं होता नेक्स्ट टाइम आपका चांस लग जाएगा, लग ही जाएगा, लग ही जाएगा, मेहनत करेंगे जी। अगर पहले, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि जज्बा होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और पहले तो, और दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बड़ी सपोर्ट पेरेंट्स की होती है तो ही लड़कियाँ आगे आ सकती हैं। लड़कों का इतना मसला नहीं होता, जब पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो लड़कियाँ आएंगी आगे स्पोर्ट में। और एक खुद में भी एक जज्बा होता है ना, ज़ील होता है खुद में कि नहीं मुझे आगे आना है, मुझे मैं अपने हिसाब से बोलूं कि मुझे बॉक्सिंग करनी है। जब हमारे क्लब में बहुत सारी लड़कियां आती हैं तो किसी के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं तुम लोग मुंह तोड़वाओगे, तुम लोग ये, तुम लोग वो, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब खुद में एक हो जाता है कि नहीं मैं अभी बॉक्सिंग मुझे करनी है तो मुझे बॉक्सिंग ही करनी है, चाहे कोई और स्पोर्ट, जैसी बात है, अगर हमें इतना कॉन्फिडेंस है, हम लोग यहाँ स्पोर्ट में हमें बहुत तरक्की हुई है, हम लोग बहुत अब तक गए हैं। और इसी तरह और भी बहुत लड़कियाँ होंगी जिनमें बहुत हुनर होगा, वो बहुत सलाहियतों से भरपूर होंगी। तो जैसे पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चियों को सपोर्ट करें, उनको वो आगे लें। और अगर पेरेंट्स सपोर्ट करें तो कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को खुद को इंटरेस्ट नहीं होता, इस तरह भी होता है। तो जितना खुद को इंटरेस्ट होगा, हम जितनी मेहनत करेंगे हम इतना ही आगे बढ़ेंगे। और कितनी दफ़ा हाथ टूटते हैं? नहीं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो हाथ नहीं टूटा। जो लोग बॉक्सिंग करती हैं आके, उनका कभी कुछ हुआ? जी, अगर पंच हम लोग गलत चलाते हैं पूरा इस तरह, तो थोड़ा इंजरीज का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे और कोई मसला नहीं, ज्यादा मसला नहीं होता। नहीं। और तो जैसे पता है डायरेक्ट हम थोड़ी ना फाइट कर लेते हैं, पहले हम लोग सीखते हैं, पहले ट्रेन होते हैं, उसके बाद हम लोग फाइटिंग करते हैं। ओके, आप बताइए। मेरा यही इनको जवाब दूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, वैसे भी अगर कोई आपके ड्रीम्स हैं, तो सब में पहले उसके लिए पैशन, आप में पैशन होना चाहिए उसके लिए कि आप करना चाहती हैं। आपका पहले खुद माइंड सेट हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये नहीं कि आपको भाई ने बोल दिया कि नहीं जी आप घर में बैठो, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, शादी तो करनी है। आपका पहले माइंड सेट हो कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा गोल है जी, मुझे करना है, तो आप कर सकते हो कुछ, वरना कुछ भी नहीं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या कोई भी दूसरा हो। मुझे बचपन में, मैं बता रही हूँ अपना, मैं आपको शेयर करती हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्पोर्ट्स हमारे यहाँ होता है, विमेंस भी खेलती हैं या बाहर जाती हैं। तो घर में ऐसे ही इधर उधर कूद रहे हैं, दरख्तों पे चढ़ रहे हैं, साइकिलिंग हो रही है, बहुत बहुत बहुत। तो फिर उसके बाद जैसे स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ में जाके पता चला, तो पहली बात आपके पास सपोर्ट होनी चाहिए। जो आई थिंक हर लड़की को हमारी कंट्री में फ़ाइट करनी पड़ती है, किसी के पास वो फैमिली में नहीं मिलती, बहुत कम से बहुत लकी गर्ल्स हैं जिनके पास फैमिली सपोर्ट होती है। इसी तरह मुझे भी फ़ाइट करना पड़ा पहले, और सपोर्ट में ज़्यादा किससे घर में फ़ाइट करना पड़ा? भाई से, भाइयों से, हाँ तो वो, लेकिन मुझे उनसे वो नहीं होता था क्योंकि मेरे फादर, मेरी मदर मेरे साथ है, उनकी जब सपोर्ट मेरे साथ ही, तो मैं नहीं रुकी। और एक और चीज़, आपके पास अगर आपके पास पैशन है, आपका माइंड सेट है कि आपने ये करना है, तो एक आपके पास ब्लेसिंग होंगी, वो हर एक के पास नहीं होती, आपके पास एक गाइडर होना चाहिए जो आपको गाइड करे कि जी आपने रुखसार, आप जैसे मैं, मेरे पास गाइडर बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो कोच हैं वो इतनी अच्छी गाइडर हैं कि उनके आने के बाद आई हैव बिकम इंडिपेंडेंट ऑन माई सेल्फ। मेरे पास अपनी प्राइवेट जॉब है, अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब। अरे वाह। हाँ, उसके बाद आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स, क्योंकि बीए करके, हमारे ये बीए हो गया जी, बस लड़की की पढ़ाई ख़त्म, मोटिवेशन नहीं है, गाइडेंस, अम्मी ने काफ़ी कहा कि पढ़ना है वो, फिर एक आपका स्पोर्ट्स में आगे ना, खुद भी आप वो लेजी हो जाते हो, नहीं नहीं पढ़ना, क्या खेलना है, वो उतना मज़ा आ रहा होता है, उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप खुद, दिल आपका वो जाता है। लेकिन फिर आप, आपके पास एक गाइडर होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। तो वहाँ से मेरी अम्मी की भी, फिर आप जब अपने होते हैं ना, आप लोग नहीं सुनते, मतलब वो एक मिसाल देने की, अपनों की कदर नहीं होती जब चीज़ होती है तो। लेकिन मेरी कोच ने मुझे इतना पुश किया कि नहीं रुखसार, तुम बीए ये कोई वो है, आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। तो वहाँ से मैंने एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी में, सुबह जॉब, शाम, फिर दोपहर में ये होता था ट्रेनिंग सेशन है हमारा, फिर शाम में इवनिंग क्लासेस। एंड आई माशाल्लाह आई पास आउट इन फर्स्ट डिवीजन आल्सो। ये भी नहीं कि आप स्पोर्ट्स है तो आप पढ़ाई को छोड़ दो, तो सब चीज़ को साथ लेके चलना पड़ता है, ये ताकि आपकी ना फैमिली नाराज़ हो,
ना आपके और वो आपके लिए बड़ा अच्छा है ये तमाम चीजें। हाँ जी आप बताएं, अभी तो आगे पूरा प्रोफेशनल स्टडीज बाकी है। बिल्कुल पैंट का सपोर्ट हो तो कोई काम भी। ऐसे मेरे अब्बू को नहीं पता था मैं पहले खेलती हूँ, मेरे अब्बू को पता था कि बस टांग टूट जाएगा, ये हो जाएगा, गिर जाओगी, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अम्मी ज्यादा सपोर्ट करती थी, अम्मी कहती छोड़ दो मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा चले ठीक है आप पे। अम्मी कहती थी बस अपने अब्बू का भरोसा नहीं तोड़ना। खेलते गए आगे, जब अब बिल्कुल इंटरनेशनल खेलने लगा, अब नेशनल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे, तो अबू को बताया, बोले कहा बस तुम्हारा है कि तुम पैर ना तोड़ लो। हॉकी हाँ। इतनी बड़ी चीज़ है, बहुत चीज़ें लग जाती है बिल्कुल, या मार देते जान मुझ कर, तो बहुत चीज़ें जो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो वहाँ कहते मुझसे ज़्यादा तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी अगर। तो मैंने जैसे बताया उन्हें, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है खेलो, ठीक है। उन्होंने इजाज़त मुझे इस दफ़ा दे दी। अगर लड़कियाँ ज़्यादातर होती ना, नहीं मिल रहा है ज़्यादा, छोड़ देती हैं, पीछे हट जाती हैं, पीछे मत हटो, आगे बढ़ो और अपने पीछे जो भाई बहन है उनको भी बढ़ाओ। बहुत सी लड़कियां ये नहीं करती हैं, छोड़ दिया, अम्मी ने इजाजत नहीं दी, अबू ने इजाजत नहीं दिया। लड़ना पड़ता है हर चीज के लिए, प्रूफ करना पड़ता है, बिल्कुल प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को कि मैं बिल्कुल फिट हूँ इसके लिए, इस काम के लिए मैं कर सकती हूँ इसको। और बहुत अच्छी बात है अगर कोच अच्छे मिले तो, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमारी कोच बहुत हमें आगे ना बढ़ने के लिए बताने के लिए, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये चीज़ करना है। इस्माया मोइन हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। सगीर ने हमें बुलाया अपने एकेडमी, उन्होंने अपने एकेडमी में फ्री ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमें दिया, पूरी फैसिलिटीज वगैरह सब हमें दिया उन्होंने। तो ये क्रेडिट खैर इन सब लोगों को भी जाता है जिन्होंने इतना आप लोगों को फैसिलिटेट किया। एक कॉलर है उसके बाद आप बताएं भाई। ताइक्वांडो मास्टर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बहुत शुक्रिया अल्लाह का शुक्र है। ये मैं आज देख रहा है आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और जिस किस्म के ये देखें हम न्यूज़ सुनते हैं उसमें उल्टी सीधी खबरें होती हैं, लेकिन ये जो आप प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं इसमें हमें बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान में इस किस्म का भी टैलेंट पड़ा हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल, जो क्या नाम है हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। और ये आपके चैनल की तवज्जो से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छा है ताकि लोगों को पता चलता है। और आज ये माशाल्लाह पांच फूल नहीं है, नुसरत बहन आपको तकरीबन 7-8 साल से मैं इस चैनल पर देख रहा हूँ, तो आप माता छठा फूल आप भी हैं। अच्छा शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। इस बात पे मेरे कान में बड़ी सारी आवाजें आईं। बेला चमेली गुलाब हाँ सारे फूल हैं इधर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपने हम सबके लिए अप्रिसिएशन और इतने अच्छे अल्फाज कहे। हाँ जी आप बताइए, अब क्या चीज़ जो है आपको मोटिवेटेड रखती है और कोई कुछ भी करने की कोशिश करें आपने बस फोकस्ड रहना है तमाम और लड़कियों के लिए? लगन 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 बस। अगर आप ये कर लें कि आपने ये करना है वो कुछ भी हो जाए आपने कर लें, जैसे भी आपने आप वो काम कर लेंगी जो आप करना चाहती हैं, अगर आपके दिल में लगन हो और आपका माइंड एक ही तरफ हो कि मुझे ये करना है, कॉन्सेंट्रेशन। तो घर वालों को मनाना पड़ा? अम्मी को बस मनाना पड़ा, अब्बू तो शायद डेथ हो गई थी। अच्छा। जब मैं छुट्टी थी तो हाँ। अम्मी ने सब कुछ किया। हाँ। अम्मी नहीं चाह रही थी कि मैं फाइट करूँ या कि नहीं वो टूट जाएगा ये हो जाएगा। हाँ ये बस बताओ भाई, आजकल तो डर्मेटोलॉजी का कॉस्मेटोलॉजी का दौर है, लोग गोरे हो रहे हैं, लंबे बाल कर रहे हैं, लोगों की तो ख्वाहिश ही है लड़कियों की कौन कौन से प्रोडक्ट्स। आप लोग ग्राउंड में जाके खेलते हैं, आप लोग मुंह तुड़वाने के लिए बैठे हैं, आप लोग बॉल खाने के लिए बैठे हैं, ऑलरेडी टूट गई। अच्छा चेहरे पे भी, फिर जाहिर है फुटबॉलर हैं, चेहरे पे बॉल लग सकती है कुछ भी। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला हिस्सा है, बाकी हिस्से भी हैं लेकिन ये वाला जो हिस्सा, पंच मार दे, कोई हॉकी मार दे, कोई गलत दाव मार दे, क्या करेंगे? नहीं बस किक मार के जरूर फोड़ा है सबको। हाँ। सबको मुंह तोड़ा है, सबको मुंह तोड़ा है, नोज से ब्लडिंग होने शुरू हो गई, इस तरह से हुआ है फाइट पे। अपने लिए क्या, अगर खुदा ना खास्ता अपना ऐसे चेहरा रंग खराब हो जाए, बाल खराब हो जाए, फीलिंग आती है इसकी कोई? वो तो चले रिकवर हो सकता है, लेकिन जो इंजरीज होती है दूसरी। हाँ। काफी बार मुझे हार्ड बॉल लगी है, उससे स्टिचेस वगैरह भी आए हैं हाथ में, 3-4 बार इस तरह से हो चुका है कि हाथ में उंगली का जो गैप होता है वो फट गया था, सो स्टिचेस वगैरह कहाँ कहाँ है, यहाँ पे हाथ में सर आते रहते हैं। और वैसे आते रहते हैं स्टिचेस का क्या है, आते रहते हैं अब तो खैर अब माशाल्लाह अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये कि हाँ चोटें वगैरह लगती हैं अब। ये कि खुद भी आ गया है कि किस तरह से करना है, सो अब इस तरह की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन शुरू शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी,
रंग बहुत जलता है, ये बहुत प्रॉब्लम होती है, बाल बहुत खराब होते हैं, वो भी तो एक घर में आके सुननी पड़ती होगी ना अम्मी से, देखो रंग कैसा हो, खुद एहतियात करनी पड़ती है। शाम में ट्रेनिंग करें, कुछ इस तरह से करें सुबह के वक्तों में। आपकी तो स्किन मुझे बहुत अच्छी लग रही है वैसे। अभी मैं आजकल जो ब्रेक लिया है इसलिए मुझे अच्छी लग रही है। ओके, आप बताएं भाई, दांत टूट गया खुदा ना खास्ता, आप लोगों का तो चेहरा ही इन्वॉल्व है। ये लगा देंगी, बताएं। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कभी दांत टूटे। इंशाल्लाह, आमीन। ये सेंसिटिव हो गई इस बारे में। हाँ भाई, इसने अब रियलाइज किया, आज तक इसने सोचा नहीं था। अगर मैं सेंसिटिव हो जाती तो मैं बॉक्सिंग कभी ज्वाइन ही नहीं करती, क्योंकि ये तो पंच ही मुंह पे पड़ते हैं। और जैसे तुम्हें ये ख्याल कभी आता है, ऐसे होता है ना कि फीलिंग इंसान को होती है कि भाई अब ये मेरा ये मुंह ना खराब हो जाए या ये उसके लिए गलत चोट ना लग जाए, गार्ड दिए गए होते ना जैसे। हाँ वो सब तो होता है, हेड गार्ड होते हैं, प्रोटेक्टर्स होते हैं जी। और ये पहन के अगर हम लोग फाइट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मुंह खुला हो और पंच अगर लग जाए, और दो एक पंच लगा था दो दिन पहले तो नाक में थोड़ा दर्द था, फिर मैंने थोड़ा मसाज वसाज करवा लिया तो उससे कोई मसला नहीं, हो जाता है, सही हो जाता है, सही हो जाता है। और वैसे भी रोज सुबह फाइट होती है, और वैसे भी रोज सुबह फाइट होती है। जो हमारे क्लब में बॉयज भी ट्रेनिंग करते हैं, वो जो मुझसे ज्यादा सीनियर है, तो उनके सामने रोज सुबह के टाइम फाइट करते हैं। अच्छा, तो जैसे वो तो मारेंगे तभी मेरी आंखें खुलेंगी। सारे बॉक्सर हैं, कभी आपस में लड़ाइयां बहन भाइयों की बड़ी होती हैं, आपस में बॉक्सिंग शुरू कर देते हो? नहीं, इतना अलाउ नहीं है आपस में, मार पिटाई नहीं होती। अच्छा, वैसी जबानी कलामी बॉक्सिंग होती है बस उतनी, क्योंकि पता है सारे बॉक्सर हैं, किसी का भी पंच लग सकता है जी। अच्छा जी, आप बताइए भाई। नहीं, डर तो आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस का डर कि मेरे ये चीज खराब हो जाएगी, बाल खराब हो जाएंगे, चेहरा खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने बड़ा सोचा था। हाँ, बड़ा डर लगता है वैसे इस मामले में तो। नो हिपोक्रेसी, बाकी बड़ा डर लगता था, बहुत मोटे ही ना लगते। फुटबॉलर ऐसे भी है माशाल्लाह, जो आप देखें तो लगेगा नहीं है फुटबॉलर है, वही रंग वही बाल। फिर आप वो एक लड़कियों का अपना भी शौक होता है कि नहीं मुझे खराब ना हो जाए, स्किन ना जल जाए, तो खुद इतना केयर करती हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता है। आप लोग बताइए। बिल्कुल, बॉल से ज़्यादातर डर लगता है, वो कहाँ से हिट आती है बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, हिट नीचे से आ रही है, ऊपर से बॉल से बचना भी हो, हॉकी से भी बचना है, क्योंकि वो बिल्कुल प्यारे चेहरे की फिक्र होती है बहुत ज़्यादा होती है। मगर ये अभी दो दिन पहले जो जब लगती है तो काफ़ी बहुत तेज लगती है बॉल। अभी हिट मेरी फ्रेंड को लगा था तो उसकी उंगली की हड्डी टूट गई, फौरन ही बॉल बिल्कुल हिट पे, मगर आगे पीछे होते हैं। मगर मुझे कभी बॉल नहीं लगी, कभी मैं किसी के हॉकी से लग कर नहीं गिरी हूँ। Okay. ये हो गया, कभी नहीं लगी कि बॉल किसी की हिट आई हो। मैं क्रिकेट में फ्रैक्चर्स, हेयरलाइन फ्रैक्चर्स तो आम है, मतलब वो आपको एनी टाइम हो सकते हैं और आपको बाद में पता चलता है आपको हेयरलाइन था जब वो हील हो चुका होता है। आप भाई, लोगों की नाक से तो खून निकाल दिया, अपनी नाक के लिए भी तैयारी रहती है, डर रहता है? सेफ रखती हूं अपने आप। सेफ रखती हूं जी। हां, क्रिकेट का लेवल 1 जब मैंने किया था तो वो हार्ड बॉल से प्रैक्टिस करवाए थे सर, तो उससे थोड़ा डर लगता था, लेकिन फिर एक आदत पड़ गई। आदत पड़ गई जी। तो माशाल्लाह आप लोग बहुत स्ट्रांग हो गए। और देखो, एक एक पहलू ये भी है, मैं कहना चाहती हूँ, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है, आप सबका बहुत शुक्रिया, और हम अपनी नेक तमन्नाएं और दुआओं के साथ आप लोगों को यहाँ से अलविदा कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आप आइए और अचीवमेंट्स के साथ आइए, इसी तरह रोल मॉडल बनिए, इसी तरह इंस्पिरेशन बनिए। लेकिन वो जो बात कही जाती है ना कि स्पोर्ट्स एंड आर्ट की वजह से लोगों में से नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, वो उनको स्ट्रेंथ देती है, वो मुझे आप लोगों को देख के नज़र आया। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आप लोग बहुत यंग हैं, बहुत आगे जाने की आपकी ख्वाहिश है, तो हमारी नेक तमन्नाएं आप लोगों के साथ हैं। कुछ जाते जाते एक एक लाइन अगर कहनी हो, अगस्त का महीना, टाइम खत्म हो गया, ओह टाइम खत्म हो गया। तो भाई आप लोग भी वीडियो मैसेज ही करिएगा हमें, ठीक है? फिर हम वो चलाएंगे। वीडियो मैसेज का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो ही आपका मैसेज हम बाकी सबको सुनवाएंगे, आप लोग भी कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, विश यू ऑल द लक वंस अगेन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।